ऑटोमेटिकली सी बात, अगर चैप्टर स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए एक अच्छा प्लान बनाया है, मैंने पूरे सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हाई प्रायोरिटी चैप्टर, मिडिल प्रायोरिटी चैप्टर और लो प्रायोरिटी चैप्टर। ये मैं आपको पूरा प्लान दे दूंगा और इसके अंदर भी मैंने सब पार्ट कर दिया है। हम इस सब पार्ट पे क्या करेंगे, आपको चैप्टर वाइज जो है वो मतलब हम लोग रिविजन करवा देंगे, मतलब आपको मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, PYQ क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन। हर टीचर आपको अकेले मैं नहीं करवाऊंगा, इतना हेडेक हो जाएगा, तो पैरेलली 6 टीचर आपको करवा देंगे। मैं आपको बता दूंगा, पूरा एक प्लान दे दूंगा 10 जून तक, ठीक है, क्लियर है। इसमें PYQ क्वेश्चन और आपको पैरेलली अपना चैप्टर वाइज टेस्ट भी खत्म करना है प्रॉपर वे में, अपने लॉग इन आईडी देख देख के, कि जो जो चैप्टर होते जाएगा वो चैप्टर का आपको क्या करना, PYQ क्वेश्चन हम लोग करवा देंगे, रिविजन एक टाइप का करवा देंगे सामने, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, एडवांस लेवल के, कुछ मेंस लेवल के, और आपको अपने लॉग इन आईडी से चैप्टर करते जाना है। ये प्लान पूरा 10 जून तक होगा। 10 जून के बाद जो 1500 क्वेश्चन का जो है वो आपका सीरीज स्टार्ट होगा, बिकॉज देखो एग्जाम एक्सटेंड हो गया तो हमें लॉन्ग टर्म तक भी चलना है, पार्टी पार्ट चलना है, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम लोग को MA RT भी आपको करवाना है, ठीक है, क्लियर है। तो मीन वाइल हम इसका भी प्लान दे देंगे। तो प्लीज आप ये जो लॉग इन आई डी में आपका चैप्टर वाइज जो प्रॉब्लम है उसको सही से करो। दूसरी बात, आपके जो डाउट्स हैं आप उसको कलेक्ट करो प्रॉपर वे में। ऐसा मत करो कि डाउट हुआ, देखो ग्रुप क्यों बना हुआ है, ताकि ग्रुप में आप तुरंत भेजो। जैसे अब देखो अभिषेक है, जैसे हर्ष भी अपना भेजता है डाउट, ग्रुप में नहीं भेजता, अलग भेजता, बट ग्रुप में आप भेजोगे तो क्या रहेगा, कोई और भी टीचर उसको देख के आपको और भी अच्छे आइडिया दे सकते हैं, या जो अवेलेबल रहेगा उनको दे सकते हैं। और बाकी आपका अगर बल्क डाउट है तो आप एक काम करो, अच्छे तरीके से उसको इकट्ठा कर लो और टीचर से हाफ एन आवर या 15 मिनट कभी भी ले लो और अपना डाउट बार बार क्लियर करते जाओ। देखो जब तक आपके अंदर ये सब चीज क्राइटेरिया लास्ट में नहीं होगा ना, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। मेरा काम था आपको बता देना, वार्न कर देना, आपका काम है इसको सही से डिस्कस करना। देखो लास्ट मैंने वर्कशॉप करवा दिया था, आपको पता है 120 से पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने लास्ट क्लास को ठीक से अटेंड नहीं किया। तो रिकॉर्डिंग में डालूंगा यूट्यूब पे, देख लेना और इसको बना लेना। तो मैं मान के चलता हूँ कि 120 तक आपका क्लियर है। फिर भी किसी को कोई डाउट है पीछे का, 120 तक में कोई डाउट है वर्कशॉप में, तो मेरे से अभी पूछ ले, मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बच्चे नहीं हो, आप IITian बनने जा रहे हो, ठीक है, तो ये बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं कि हमें बार बार बोलना पड़े भाई तुम क्लास करो, वर्कशॉप अटेंड करो, 1500 क्वेश्चन का अटेंड करो, तो ये सब तुम्हारे लिए नुकसान है, हमारे लिए कुछ नहीं है। देखो हमारा क्या है, हमारा काम मेहनत करना है और हमारे हाथ में और कुछ नहीं, एग्जाम हम तुम्हारे बदले दे नहीं सकते। तो प्लीज इसको थोड़ा सीरियस लो। एक टीचर अगर आपको इतना बार बार समझा रहा है, एक बार आपको बार बार गाइड कर रहा है, तो मतलब सोच लो कि यार इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं। हम लोग गला तो तुम्हारा नहीं पकड़ सकते ना, तुम्हारे मुंह में चम्मच डाल के तो नहीं खिला सकते। आप बचपन में जब मतलब रोते नहीं होगे तो मम्मी तो खाना नहीं खिलाती होगी ना, सोचते कि बच्चा तो बेचारा उसका पेट भरा हुआ है। तो आप जब तक रोगे नहीं, जब तक डिस्कस नहीं करोगे, अपने डाउट को क्लियर नहीं करोगे, फिर सोचते रहोगे कि सर ये वो, तो दिक्कत तुम्हारा है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखे लास्ट मोमेंट की, वैसे सिलेक्शन रुक ना जाए आपका। चलो 120 तक किसी को डाउट है बोल दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। आज जो आधा अधूरा क्लास अटेंड करता है प्लीज अटेंड मत क्या करो यार, क्योंकि उससे बहुत बुरा लगता है। क्या फायदा होता है बताए, क्योंकि तुम्हारा छूटता है तो हमें बुरा लगता है। तुम अटेंड नहीं करना है, तुमको नहीं पढ़ाई करना है, तुमको IIT नहीं बनना है, मत बनो, मत क्लास अटेंड करो, तुम्हारा मर्जी है, बट आधा अधूरा क्लास मत अटेंड करो। इससे क्या होता है कि लगता है यार बच्चे कर क्या रहे हैं मेहनत। तुम देखो कि हम लोग ऑलरेडी इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका, फिर भी वर्कशॉप करवा रहे हैं, 1500 प्रॉब्लम करवा रहे हैं, इसमें इतने सारे टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है विदाउट एनी चीजें, फिर भी हम करवा रहे हैं। आप में से आधे लोग, कुछ लोग गायब रहते हैं, कुछ लोग सीरियस नहीं रहते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो ये सब करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा यार। चलो 120 तक किसी को डाउट है, 120 तक किसी को डाउट है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, वीडियो रिकॉर्ड होता है, ये सब इरिटेटिंग लगता है वीडियो में। 120 तक किसी को डाउट है, ये सनो नहीं है सर, बढ़ जाएंगे सब लोग, सब लोग, कोई और 120 तक, चलो 120,
तो स्टार्ट करते हैं, चलो 120 120 121 122। मैंने आपको बोला था कि जब भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो एडवांस में, जब भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो एडवांस में, आपको क्या करना चाहिए, कोई भी एक पार्ट पकड़ लो, कहीं से भी एक पार्ट पकड़ लो और उल्टा घूम जाओ, कहीं भी एक पार्ट पकड़ लो, किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ लो, और एक ऑप्शन अगर आ गया तो पूरा का पूरा पैराग्राफ गलत, मतलब पूरा का पूरा पैराग्राफ आप सही कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मेरा ऑर्गेनिक का पैराग्राफ कभी भी गलत नहीं। उसका रीजन क्या है कि एक बार मुझे तरीका समझ में आ गया कि अच्छा भाई, एक प्रोडक्ट को पकड़ो, एक कोई रिएक्टेंट को पकड़ो और पूरा का पूरा घुमा दो साइकिल, पूरा का पूरा प्रॉब्लम सही हो जाएगा। 12 मार्क्स का पैराग्राफ एडवांस में आता है, तो ये क्वेश्चन को करो, आइडेंटिफाई करो, चलो ए बी सी डी निकालना है, देख लो ए बी सी डी निकालना है। आप लोग के अकॉर्डिंगली ऑप्शन कौन सा आएगा 120 का, आप लोग के अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन आएगा 120 का? चलो ई बता सकते हो, ई ई देखो, ई देखो, ई क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले ई में क्या हो रहा है, एससीएन बन रहा है हीट करने के बाद, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना होगा, मतलब ई जो प्रोडक्ट होगा एमआई टाइप का होगा, ई जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एमआई टाइप का होगा, और एमआई को जब आप हीट करते हो तो क्या निकलता है, साइनाइड निकल जाता है। इसके लिए हम लोग P2O5 भी यूज कर सकते हैं, या POCl3 भी यूज कर सकते हैं, या नॉर्मल हीटिंग भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक बात तो हम लोग को समझ में आ गया कि ई वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपका, ई वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या, फॉर्मामाइड है, क्या फॉर्मामाइड है, क्या फॉर्मामाइड। तो ई का जो प्रोडक्ट है 122 का बी आ गया, चलो 122 का बी आ गया। चलो यहाँ तक किसी को डाउट है, चेक भी कर लेते हैं आंसर कि सर हाँ सही है या नहीं है। चलो 122 का अपने को बी भी मिल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो 122 का बी। अब बताओ 121 क्या होगा, 122 अगर बी है एमाइड है तो 1 क्या हो? मतलब ये डी क्या होगा, डी क्या होगा, सोच के बताओ डी क्या होगा आपका, डी क्या होगा, डी आपका यहाँ होगा सीएल, यहाँ क्या होगा सीएल होगा, क्योंकि इसको अगर एमोनिया के साथ करवाओगे तो एमाइड बनेगा। अच्छा ये हो गया, उसके बाद ए क्या होगा, डी, डी तो हम लोग को पता चल गया कि ये सीएल, डी तो पता चल गया, मतलब आपका डी से क्या होगा, डी से ये बना बना होगा और फिर एमोनिया से रिएक्ट किया होगा, ये बन गया होगा। अच्छा डी और क्या होगा, डी एक एसिड होगा, तो डी क्या हो सकता है, फॉर्मिक एसिड हो सकता है, ओके फॉर्मिक एसिड है, और ये 50% KOH प्लस H3O प्लस कौन सा रिएजेंट है, जल्दी बताओ, 50% KOH प्लस कैनिजारो है, क्या है कैनिजारो है, तो एक मोल का ऑक्सीडेशन होगा तो मतलब दूसरे वाले का क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा, तो ये क्या होगा मिथानॉल होगा, तो आपका ए क्या आ गया, एक मिथानॉल, ये ए वाला प्रोडक्ट ये हो गया, ये वाला ये हो गया, डी वाला ये हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद एक इस, ये क्या, ये ए, सी वाला क्या होगा, सी वाला आपका एल्डिहाइड होगा, तो ये क्या है फॉर्मल डिहाइड है, ये क्या है आपका फॉर्मल डिहाइड है, तो आपका जो सी वाला जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मल डिहाइड है, ओके। अच्छा तो सी हम लोग को पता चल गया फॉर्मल डिहाइड है, उसके बाद ये कौन सा होगा, ये एक अल्कोहल होगा, ये क्या मिथानॉल है, एक अल्कोहल है, ओके ए क्या है तुम्हारा अल्कोहल है, मिथानॉल है, तो 120 का ए चेक कर लेते हैं, 120 का ए ऑप्शन बिल्कुल है। अच्छा बी ऑप्शन क्या होगा, ईस्टर हो जाएगा, ठीक है ये क्या हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा, कार्बन कार्बन और OCH3, तो 121 का बी हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट, देखो इसके अंदर कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, जल्दी से मेरे को बताओ इसके अंदर कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, कोई सब लोग रिप्लाई करो, कौन कौन सा रिएक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व था, एक तो एस्टरीफिकेशन था, राइट सही है, सब लोग बोलो एस्टरीफिकेशन था, सेकंड क्या था, और सेकंड कोई दूसरा बताओ क्या था, हीटिंग था राइट, मतलब हीटिंग ऑफ एमाइड था, और कौन सा रिएक्शन था, कैनिजारो था, क्या कैनिजारो था, ठीक है क्लियर है। अच्छा फोर्थ क्या था, एस्टरीफिकेशन मैंने बता दिया, कैनिजारो था और क्या था, माइल्ड ऑक्सीडेशन था, ऑक्सीडेशन था, माइल्ड ऑक्सीडेशन था, ओके ठीक है क्लियर है। अच्छा फिफ्थ क्या था, क्लोरीन लगाने का था, ठीक है फॉर्मेशन ऑफ एमाइड था, ठीक है क्लियर है, तो ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये सब रिएक्शन, अच्छा कितने लोगों से मेरे बनाने से पहले बन गया था, कमेंट यस करे, कितने लोगों को मेरे बनाने से पहले बन गया था, कमेंट यस कर दो, ये सर आपके बनाने से पहले हमने बना लिया था, हर्ष ओके ठीक है, अनन्या चलो ठीक है, 121-122 तक हो गया। ऐसा क्वेश्चन IIT में आएगा तो गलत होगा कभी नहीं, गलत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट 123 पहले देख लो आप लोग, 123 देख लो फिर से, पहले पूरा पार्ट को समझ लो, पूरा पार्ट को समझ लो,
जो लोग का वर्कशॉप मिस हो गया था, मैं दोनों रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगा विद इन एक दो दिन के अंदर। तुम क्वेश्चन देखते जाना और सॉल्यूशन देखते जाना जो मैंने बनाया है। और देखो मैं बता दूं, ये मैं अपने टाइम इतना हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे, हम लोग को मिलता था बट इतना सॉल्व नहीं कर पाते कि हम लोग के पास उतना टाइम लास्ट में मिलता नहीं था। तो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले से सॉल्व करके आया हुआ हूँ। तो जो दिमाग मैं लगाऊंगा आप भी वही दिमाग लगाएंगे, ठीक है? चलिए, तो कौन कौन सा रिएक्शन पहले इन्वॉल्व है, ये कौन सा रिएक्शन है, जल्दी बताइए कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, वेरी गुड, अच्छा जवाब है। ओके, ओजोनोलाइसिस के बाद क्या बनता है? आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, राइट? आया ना? चलो, ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, जल्दी बोलो कौन सा रिएक्शन है, कौन सा है, कौन सा है भाई लोग, कौन सा है? अल्डोल, अल्डोल है क्या? अल्डोल है, कैनिजारो है। ओके, कैनिजारो है। ओके, बड़ा मजा आया। नीचे क्या है, नीचे कौन सा रिएक्शन है, नीचे कौन सा रिएक्शन? अल्डोल है। ओके, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अल्डोल को अगर सीएन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? अल्डोल को साइनोहाइड्रिन बन जाएगा ना, सीएन माइनस एल्डिहाइड पे आके अटैक करेगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। चलो ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया कौन कौन सा रिएक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व है। चलो, बेंजाइलिक अल्कोहल, तो बेंजाइलिक अल्कोहल ऐसा कुछ होगा, ठीक है, क्लियर है, राइट? अब बेंजोएट कैसा होगा, बेंजोएट कैसा होगा, सी डबल ओ माइनस, राइट? चलो, इसका मतलब क्यू वाला क्या होगा, क्यू वाला क्या होगा, जल्दी बताओ क्यू वाला क्या होगा, बेंजल डिहाइड होगा, सही है, आया ना? जल्दी बोलो, क्यू वाला बेंजल डिहाइड होगा, सही है कि नहीं, जल्दी बोलो, क्यू वाला बेंजल डिहाइड होगा। ओके, क्यू वाला बेंजल डिहाइड होगा, इसका मतलब ये मेरा सी डबल बॉन्ड सी कार्बन, यहाँ कोई ग्रुप होगा, पकड़ लो, सही है, हाँ है ना? आर वन आर टू पकड़ लेते हैं, सही है, ऐसा कुछ होगा, अल्किन मेरा पी, ऐसा कुछ होगा, राइट, सही है, जल्दी बोलो, हाँ है ना, जल्दी बोलो भाई, ऐसा नो, चलो ठीक है, तो हम लोग को पी पता चल गया, ये होगा। ओके, चलो आगे बोलते हैं, डाइल्यूट KOH, तो डाइल्यूट KOH भाई, ऊपर वाले तो कैंजारो हो रहा है, नीचे वाला के पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, तो लेट से मुझे नहीं पता कि ये एल्डिहाइड है कीटोन है, मुझे नहीं पता, रहने दो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको CN माइनस के साथ करवाऊं, तो CN माइनस के साथ करवाओ, तो ये OH हो गया और ये तुम्हारा R2 हो गया और ये तुम्हारा CN हो गया। ओके, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कॉन्क H2SO4 से हम लोग करवा देते हैं तुम्हारा हीटिंग। देखो एक बात, देखो यहाँ एस्टर बन रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है कि एक एसिड बनेगा और एक आपका अल्कोहल होगा, राइट, है ना? ये हाँ, बताओ यहाँ एज अ कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, यहाँ एज अ एस्टरीफिकेशन यूज हो रहा है, प्लस आपका CN से COOH बन रहा है, तभी ऐसा प्रोडक्ट आ रहा होगा। यही एडवांस में, देखो एडवांस में केमिस्ट्री मजाक नहीं होता है, ठीक है ना? मेंस लेवल में क्या है, थोड़ा सा चलो अलग हो जाता है, तो ये मेरा कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा, राइट, आया ना? बोलो यार, ऐसा ना, अबे बोल भी दो, इसका yes, मतलब ये CN होगा। देखो मोटिवेट करोगे तभी मैं मोटिवेट रहूंगा और आपके लिए सोचूंगा और नए नए प्लान बनाऊंगा, आप लोग डिमोटिवेट कर दोगे तो IIT मजाक नहीं है, बारा बोलता हूँ। चलो, तो ये CN हो गया यहाँ, चलो इसका मतलब हम लोग को पता चल गया भाई, हम लोग का जो T है वो क्या होगा, और T पता चल गया, इसका मतलब हम लोग को S क्या है, अल्डोल क्या है, पता चल गया कि भाई यहाँ मेरा सी, यहाँ क्या होगा, मेरा डबल बॉन्ड ओ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड भी है, अच्छी बात है, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन हुआ होगा, इसका मतलब मेरा जो है पाई बॉन्ड अगर हटा दे तो मेरा OH यहाँ होगा। चलो मैं एक बात बताऊं, इस जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, मैं आपको बताता हूँ, इस जो मेरा प्रोडक्ट होगा ये होगा, क्लियर है, देखो ध्यान से, ये H होगा और तुम्हारा ये तुम्हारा क्या होगा और ये तुम्हारा OH होगा, सही है, देखो सही है, अल्डोल आ गया, जल्दी बोलो अल्डोल आ गया, अल्डोल है, सही है क्या? नहीं, अभी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा गड़बड़ अभी लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। टी ऑन हाइड्रोलाइसिस, अच्छा चलो टी को देख लेते हैं, टी से काम बन जाएगा, तो भाई टी से तो अपना काम बन जाएगा ना, टी से तो अपना काम बन जाएगा, टी को देख लेते हैं ना पहले, ज्यादा टेंशन क्यों लेते हैं, टी को देख लेते हैं, टी कौन सा होगा, जल्दी बताओ टी कौन सा होगा, टी कौन सा होगा, सोच के बताओ टी कौन सा होगा, ये तो स्टेरिफिकेशन का पार्ट है, ये स्टेरिफिकेशन का पार्ट है, इसका मतलब डबल बॉन्ड आ रहा होगा, तो 123 का ऑप्शन बी या डी में से होगा, सही है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, अरे अच्छा, लेकिन हीटिंग भी तो नहीं किया ना, हीटिंग तो यहाँ किया है, क्योंकि यहाँ हीटिंग तो इधर रखा है ना, इसका मतलब सी होगा, सही है, यहाँ तो डाउट सी होगा, देखो ध्यान से देखो ना, यहाँ ये वाला देखो, ये सी होगा ना, बिकॉज हीटिंग तो यहाँ दे रखा है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, गलती मत कर देना, तो सी पता चल गया, तो टी का हम लोग को सी पता चल गया। अच्छा, यहाँ फिर CN की जगह COOH की जगह CN होगा, तभी ऐसा आ रहा होगा कि COOH बन रहा है। ओके, ठीक है, क्लियर है।
तो हम लोग को एस समझ में आ गया, एस कहाँ होगा, एस वाला कहाँ होगा, एस वाला तुम्हारा क्या होगा, यहाँ होगा, डबल बॉन्ड ओ था तो ये तुम्हारा आके सी ए ने यहाँ अटैक किया होगा, राइट? हाँ ना, जल्दी बोलो यार, यस नो, सी ए ने अटैक किया होगा, तो हम लोग को एस भी पता चल गया, तो एस तुम देख लेना, एस कौन सा होगा, चलो एस देख लेते हैं कौन सा होगा, एस देख लेते हैं, एस चेक कर लेते हैं कौन सा होगा, चलो एस चेक कर लेते हैं हम लोग, ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं, एस कौन सा होगा, चलो एस कौन सा होगा, एस कौन सा होगा, एस तो हम लोग को समझ में आ गया कि भाई मेरा ये, हम लोग को पता चल गया कि ये वाला ये वाला ये वाला और ये ओ एच है, ये सी डबल ओ एच है, तो ये हाइड्रोलाइसिस हुआ है, मतलब ये तुम्हारा सी एन होगा, ओके ये सी एन होगा, अभी सी एन होगा, अच्छा उसके बाद तुम्हारा यहाँ डबल बॉन्ड हुआ होगा तभी ऐसा होगा, डबल बॉन्ड होगा तभी तो सी एन आके लगेगा ना, मतलब यहाँ साथ में ओ एच भी रहा होगा तभी ये हीटिंग होने के बाद ऐसा कुछ होगा, चलो ठीक है, अब ओ एच रहा होगा तो ये डबल बॉन्ड ओ होगा यहाँ, राइट? हाँ ना, जल्दी बोलो, अरे हाँ ना, और ये हाइड्रोजन होगा, ऐसा तभी कुछ होगा, ये ओ एच होगा, एस पता चल गया, एस पता चल गया तो ओ एच माइनस अटैक करेगा, सही है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ ना, जल्दी बोलो, तो 124 का जो है ऑप्शन ए एंड तुम्हारा बी आ रहा है, ए एंड तुम्हारा बी आएगा, आना भी चाहिए, चलो ए को देख लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लो, ए को देख लो, ए को मतलब चेक कर लो, एस का कौन सा होगा, एस समझ में आ रहा होगा, अल्डोल है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, अल्डोल कंडेंसेशन है, ये क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, फिर से बताना है, तो 123 का सी है, क्या है, किसका, 123 का सी है, 123 का सी, हाँ सही है, चलो क्लियर हो गया, चलो ऐसे केस में अगर सब शक लगे, मैं आपको बताया था जब जेई एडवांस 2012 में मेरे पास एक पैराग्राफ आया था 12 मार्क्स का, ठीक है ना, तो दोनों पेपर में शायद एक एक पैराग्राफ था, तो मैंने एक ऑप्शन को पकड़ा और मेरा ऑप्शन थोड़ा पेचीदा था, ठीक है ना, तो मैंने पकड़ा, थोड़ा 5 मिनट टाइम लिया, 12 मार्क्स से लगातार है, एक गलती भी नहीं होना चाहिए, देखो IIT बहुत ईजी एग्जाम है अगर कोई समझ जाए प्रॉपर वे में, तो हम लोगों को भी गाइडेंस मिलता था, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता था, बट हम लोग को कॉम्पिटेटिव के थ्रू गाइडेंस मिलता था, ठीक है, इतना कोई बार बार नहीं बता रहा है कि अरे भाई करो करो करो, आप लोग क्या हो कि हद हो, चलो तो ये 23-24 इसका सी है आंसर और इसका ए एंड बी है, मार्क कर ले, मैंने आपको ऐसे आंसर की भी दे रखा है, चलिए ठीक है, आप पार्ट ही पार्ट देख लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली भी देख लो, रिवर्स चेक भी कर लो, अच्छा तो यहाँ कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, एक बार मेरे साथ सब लोग वॉइस बोलो, जल्दी बोलो, कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था एक साथ, जल्दी बताओ कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, भाइयों बहनों कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, हीटिंग इफेक्ट, अल्डोल और क्या, और क्या, साइनोहाइड्रिन सीएन माइनस का अटैक वो था, ठीक है, एस्टरीफिकेशन था, राइट, चलो पी पी देख लो, पी कौन सा होगा, पी तुम्हारा क्या होगा, पी तुम्हारा क्या होगा, सी होगा, तभी एक क्या एल्डिहाइड बन रहा होगा, एक तुम्हारा बेंजल्डिहाइड बन रहा होगा, राइट, हाँ या ना, जल्दी बोलो, सही है, देख लो चेक कर लो, एक तुम्हारा एल्डिहाइड बन रहा होगा, देखो चेक कर लो, एल्डिहाइड बन रहा होगा, तो याद करो मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या मैंने आपको ट्रिक बताया था अल्डोल कंडेंसेशन का ट्रिक निकालने के लिए, देखो अल्डोल कंडेंसेशन का ट्रिक देखो, इधर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, देखो इधर क्या है, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, जल्दी बोलो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये सुनो है कि नहीं, है कि नहीं भाई, ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये तुम्हारा दूसरा वाला एल्डिहाइड या कीटोन है, सही है, ये सुनो सही है, चलो क्या करेगा, ये पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, ये ट्रिक है, अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ो और ये डबल बॉन्ड ओ के साथ पानी निकाल दो, देखो ये तुम्हारा अल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बन गया, देखो ये अल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बन गया, देखो चेक करो, ये तुम्हारा सेम आंसर आ रहा होगा, चेक करो, क्लियर हुआ ट्रिक, फायदा हुआ, जल्दी बोलो, अल्डोल कंडेंसेशन का सिंपल सा ट्रिक है कि भाई आप अल्फा हाइड्रोजन पकड़िए, सपोज करो देखो इधर मैं एग्जांपल और आपको बताता हूँ, मान लो ये साइक्लोहेक्सानोन है, ओके क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन करेगा, यस या नो, क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन करेगा, यस करेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अब कैसे करेंगे, ये ऑटोमेटिकली 2 मोल अंडरस्टूड है, इसका ट्रिक कैसे यूज करोगे, आप इसको डबल बॉन्ड ओ रहने दीजिए और ये बगल में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है प्यारा बच्चा अपना, और इधर साइक्लोहेक्सेन दूसरा मोल वाला है, अंडरस्टूड है, और ये डबल बॉन्ड ओ है, आप इसको पानी निकाल दो, मेरा अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया, इससे ज्यादा ट्रिक आपको इजी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ओ है, सॉरी, आप लोग इतना गुस्सा दिला देते हो ना कि मैं दिल से पढ़ा नहीं पाता आप लोग को, चलो ठीक है, क्लियर है, चलो क्लियर, सही है, सही है, जल्दी बोलो सही है, क्लियर है, हाँ ना, ठीक है, तो ये एक ट्रिक आप लगा के यूज कर सकते हो, चलो नेक्स्ट,
चलो नेक्स्ट 126 पैराग्राफ 126 पहले आप पढ़ लें पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ लें क्योंकि मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे पैराग्राफ को पढ़ लें अच्छे से। अच्छा अगर मैं ओजोन लाइसिस में जिंक यूज करूं वहां मतलब O3 यूज करूं जिंक यूज ना करूं तो क्या होगा वो रिडक्टिव ओजोन लाइसिस होगा या ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस होगा ऑक्सीडेटिव क्या होगा क्या होगा क्या होगा ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव। अच्छा ये पूरा ऑर्गेनिक का वर्कशॉप अगर आप खुद से नेक्स्ट टाइम करोगे तो कितना देर में बना लोगे मुझे बताओ अगर पूरा ये वर्कशॉप एक साथ बैठ के करोगे तो कितना देर में बना लोगे बहुत टाइम लगेगा अगर खुद से पूरा बनाए तो। हाँ पूरा बताओ सब लोग बताओ बस और रियल स्टोरी बताऊंगा हर समय तुमको कितना टाइम लगेगा ये पूरा 280 को समझाने में एक बार में बैठेंगे तो 5 से 6 घंटे। अच्छा अंकित तुम्हें कितना लगेगा अनन्या तुम्हें सब लोग बोलते जाओ सब लोग अपना अपना बोलते जाओ अगर 40 questions 50 questions पर डे करके करेंगे तो 4 दिन 4-5 दिन। अच्छा और कोई दिव्यांश 5 से 6 घंटा 5 से 6 घंटा और और कोई आपको पता है हम लोग को ऐसा सीट मिलता था ठीक है जैसा सीट आप देख रहे हो येलो कलर का ठीक है हर्ष को आइडिया होगा तो येलो कलर का हम लोग को सीट मिलता था जिसमें ऑर्गेनिक का 200 से 250 प्रॉब्लम रहते थे 250 के आसपास। ये जब मेरा मार्च 2012 की बात है ठीक है मार्च 2012 हम लोग का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था इस सीट को फिजिकल में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज कैलकुलेशन है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये दोनों में 2.5-2.5 घंटे में मैंने पूरा सीट एक एक क्वेश्चन बना दिया था आप भी बना सकते हो बस आपको 2.5 घंटा एक्सट्रीम प्रेशर झेलना होगा दम एक्सट्रीम प्रेशर पूरा फोन बंद करके पूरा और ये मैं आपको मतलब रॉकेट साइंस नहीं बता रहा ये पॉसिबल है आप 2.5 से 3 घंटा सोच के देखो आपसे बन जाएगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सीट। अब फिजिकल का जो सीट रहता था वो 4 घंटा में ठीक है क्लियर 4 से 4.5 घंटा में कुछ अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ के तो ये आप भी कर सकते हो ये आदत डालोगे तभी कुछ होगा। मतलब एक दिन में मैं 4-4 सीट ऑलमोस्ट खत्म कर देता था रिविजन के टाइम मतलब वो फर्स्ट टाइम नहीं रहता था नो डाउट वो सेकेंड टाइम रहता था। तो आप अगर ये दोबारा बना रहे हो तो आप हार्डली 3 घंटे के अंदर इसको खत्म कर सकते हो तो आप देखो मैंने आपको बताया आप चेक करो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो लगाओ एफर्ट। चलो तो 126 में कैसे होगा चलो 126 में कौन कौन सा है चलो द पॉलीमर ऑन रिडक्टिव ओजोन लाइसिस गिव कंपाउंड पी विच ऑन फर्दर रिएक्शन विद NOH गिव क्यू पॉलीमर। चलो ये ऐसा पॉलीमर है रिपीट कहां से हो रहा है देखो बताओ रिपीट कहां से हो रहा है देखो तो रिपीट कहां से हो रहा है माय डियर्स रिपीट कहां से हो रहा है देखो तो रिपीट कहां से हो रहा है थोड़ा सा देखा सा लग रहा है रिपीट देखा सा लग रहा है रिपीट हो रहा है क्या कुछ रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है देखो मुझे लगता है रिपीट ऐसा हो रहा है चलो ठीक है ये और ये यहाँ रेडिकल बन रहा होगा राइट यहाँ कुछ रेडिकल बन रहा होगा ऐसा ही कुछ हो रहा होगा ना भाई सर एक्स्ट्रा लगा दिया मिथाइल सॉरी ऐसा कुछ हो रहा होगा सही है जल्दी बोलो सही है ऐसा कुछ हो रहा होगा कभी तो जुड़ रहा है ना भाई बॉन्ड बीच में अबे बोलो भाई ऐसा ही कुछ हो रहा होगा ना यहाँ रेडिकल बन रहा होगा और यहाँ रेडिकल बन रहा होगा चलो ठीक है क्लियर है ओके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं आप लोग मरे हुए बच्चे हो आप चलो तो आ गया चलो ठीक है तो ये अपना जो है ऐसा कुछ हो रहा होगा ओके अच्छा द कंपाउंड पी गिव डज नॉट गिव फॉलोइंग टेस्ट पी अच्छा पी का ओजोन लाइसिस करने के बाद पी का ओजोन लाइसिस ऑन फर्दर विथ NOH गिव पॉलीमर क्यू अच्छा ये NOH कौन सा है ये रिएक्शन जल्दी बताइए कौन सा रिएजेंट है किसके लिए यूज हो रहा है डाइल्यूट NOH कौन सा है और पी जो ओजोन लाइसिस कर रहे हो मतलब ये कीटोन बनेगा एल्डिहाइड बनेगा कुछ भी बन सकता है और उसको NOH के साथ करवा रहे हो कौन सा रिएक्शन है जल्दी बोलो उसको NOH के साथ करवा रहे हो अल्डोल है ओके अल्डोल है
इसका मतलब जो है वो आपका ये एक कंडेंसेशन टाइप का बी गिव अ पॉलीमर, ठीक है, गिव क्यू पॉलीमर ये दे रहा है, इसका मतलब मेरा कुछ ऐसा है। तो इसका मतलब मेरा जो कंडेंसेशन हुआ होगा वो कैसे हुआ होगा, देख सोच के देखो कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, चलो इधर देखो ये इधर सी एच थ्री है और तुम्हारा इधर क्या है, इसका मतलब ओ एच यहाँ होगा, सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, जल्दी बोलो, ओ एच यहाँ होगा, अरे हाँ ना, जल्दी बताओ, नहीं ओ एच यहाँ नहीं होगा, बिकॉज अगर ओ एच यहाँ रहेगा तो कंडेंसेशन कैसे करोगे। अच्छा नहीं ठीक है, तो मैं सोचता हूँ, चलो पी क्यू आ गया, क्यू हम लोग को आ गया, लेकिन क्यू वाले में तो कीटोन नहीं दिख रहा यार, तो कैसे करे, क्यू वाले में तो कीटोन ऑन द रिडक्शन गिव द फर्दर, ओके नहीं, फर्दर विद डाइल्यूट एनओएच, तो क्यू हम लोग को पता चल रहा है, क्यू हम लोग को आइडिया मिल गया, लेकिन क्यू वाले में तो कीटोन भी तो होना चाहिए था ना, अब क्या करे बोलो, तो क्यू वाले में तो कीटोन भी होना चाहिए था यार, नहीं हो रहा है, कैसे करे बोलो, क्यू वाले में तो गिव्स क्यू पॉलीमर, नहीं 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 क्यू पॉलीमर दिया हुआ है, क्यू नहीं है ये कुछ और है, ये क्यू नहीं है ये कुछ और है, क्यू तुम्हारा ये पॉलीमर है, इसका मतलब इसका मोनोमर ये है, सही है, हाँ ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, मोनोमर ये है, ओके, मोनोमर ये है, 128 का हम लोग को मिल जाएगा, 128 मिल जाएगा, 128 का जो है ए ऑप्शन, चल 128 सॉरी 128 नहीं, लेकिन 128 में एक और प्रॉब्लम हो रहा है कि 128 का डाइल्यूट एनओएच कीप क्यू, अच्छा लेकिन रिपीट 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 रिपीट, हाँ ठीक है, अच्छा एक और चीज, अच्छा नहीं नहीं लेकिन एक और चीज देखो, ये पाई बॉन्ड अगर मैं ये रखूं तो रेडिकल क्या होता है, रेडिकल रीअरेंज भी कर सकता है, चलो अगर मैं इसको ए ऑप्शन मानता हूं तो अगर ये डबल बॉन्ड बनेगा तो रेडिकल यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ है तो रेडिकल तुम्हारा यही बनेगा ना भाई, यहाँ तो रेडिकल नहीं बनेगा ना, हर्ष सोचो सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा, जल्दी बोलो, सही है, जल्दी बोलो, सही है कि नहीं, बोलो भाई, चलो, लेकिन अगर मैं बी वाले में देखूं, अगर मैं बी वाले में देखूं तो ये रेडिकल बना, तो ये रेडिकल यहाँ यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, मतलब इसको थोड़ा नीचे बना दो ताकि आपको क्लियरेंस मिले, ये रेडिकल यहाँ यहाँ बनेगा, तो ये वाला दोनों रेडिकल कंबाइन हो के ये वाला रेडिकल खाली बन जाएगा, सही है, जल्दी बोलो, सही है, हाँ ना, बोलो भाई, अब यहाँ भी रेडिकल बनेगा ताकि इधर भी जुड़े, सही है, क्योंकि इधर भी तो जुड़ रहा होगा ना यार, अरे ये तो नेचुरल रबर टाइप का कुछ सब्सटेंस है ना, सिस ट्रांस वाला टाइप का ना कुछ, सही है, चलो ठीक है, क्लियर है, इसका मतलब ये ऑप्शन कुछ ऐसा होगा, डबली बॉन्डेड कुछ ऐसा होगा, आइसोप्रीन टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा, आइसोप्रीन टाइप का, इसको आइसोप्रीन बोलते हैं ना, अरे 2-methyl-butyl-1,3-diene को आइसोप्रीन बोलते हैं ना यार, चलो तो इसका मतलब माय डियर कि ये कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, चलो तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा, और ये वाला क्यों नहीं हो रहा है, ये वाला भी ऑप्शन पॉसिबल है, और ये वाला ऑप्शन क्या पॉसिबल है, नहीं ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों जगह मिथाइल है, ये गायब ये गायब, ये वाला देखते हैं क्या है, ये वाला देखते हैं मैटर क्या है, ये वाला भी तो ऑप्शन हो सकता है, यहाँ क्या है, यहाँ तुम्हारा ट्रांस है, यहाँ सिस है, इसका मतलब बी, हम लोग को बी मिल गया, सही है, सही है, यहाँ तो डाउट किसी को जल्दी बोलो, 128 का बी मिल गया, डाउट है किसी को जल्दी बोलो, किसी को डाउट है जल्दी बोलो, क्लियर है, देखो और भी तरीका हो सकता है, मेरा यह तरीका है, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं एक ऑप्शन को चूज करूं पैराग्राफ में ताकि मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम सेफ साइड हो, मैं ऐसा बहुत सारा तरीका यूज कर सकता हूँ जिससे काम बन सकता था, मैं चाहूँ तो यही तरीका यूज कर सकता था कि सर ये रेडिकल है, ये वाला रेडिकल है, इसका मतलब ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड यहाँ आएगा ताकि ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ तुम्हारा रहेगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ रहेगा ताकि ये रेडिकल बनने के बाद ऐसा कुछ हो जाए, तो वो मेरा तरीका है कि भाई आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और ऑप्शन लगाओ ताकि पैराग्राफ गलती ना हो, बिकॉज ये 12 मार्क्स का होता है यार, 12 मार्क्स में आपका आईआईटी में जमीन और आसमान, हो सकता है कि आप जिंदगी भर पछताते रहो कि आप आईआईटीएन नहीं बन पाए, ये 12 मार्क्स अगर गलती कर दिए तो, चलो तो इसका मतलब बी आ गया, ओके बी आ गया हम लोग को, मतलब इन द सेंस कि क्या आ गया, हम लोग एक बार समझ में आ गया कि मोनोमर मिल गया, हम लोग को मोनोमर मिल चुका है, अच्छा मोनोमर मिल चुका, विच ऑन फर्दर विच डाइल्यूट एनओएच गिव्स क्यू क्यू पॉलीमर, तो हम लोग को मोनोमर मिल चुका है, क्यू क्यू क्या होगा, अब क्यू क्या होगा एनओएच के साथ, मतलब कंडेंसेशन होगा, अरे बोलो भाई कंडेंसेशन है ना, ये कंडेंसेशन है ना, बोलो यार कंडेंसेशन है, चलो ठीक है, तो कंडेंसेशन है, तो कहाँ कहाँ कंडेंसेशन हो सकता है वो सोचो, कहाँ कहाँ कंडेंसेशन हो सकता है वो सोचो, कहाँ कहाँ कंडेंसेशन हो सकता है वो सोचो, चलो यहाँ भी कंडेंसेशन है, यहाँ भी कंडेंसेशन है, अच्छा यहाँ भी कंडेंसेशन है, ए में,
में यहाँ भी तो अच्छा देखो यहाँ कंडेंसेशन नहीं है, अल्टरनेट नहीं है, गलत है, यहाँ अल्टरनेट है और यहाँ अल्टरनेट है क्या? यस यहाँ भी अल्टरनेट है, चले ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा अब क्या करें, और क्या क्लू मिल रहा है हम लोग को, सोचो अब क्या क्लू मिल रहा है। चलो ठीक है, अगर मैं सी पकड़ लेता हूँ तो सी हमको ऐसा दिखेगा, सी एच ओ और ये ओ एच दिखेगा, सही है, सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, चलो ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हो रहा होगा, सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना। अरे भाई इंट्रा मॉलिक्यूलर हो रहा होगा ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हो रहा होगा ना भाई, बोलो यार, इंट्रा मॉलिक्यूलर हो रहा होगा ना, मतलब इसका मतलब ये निगेटिव यहाँ बन रहा होगा, ये निगेटिव यहाँ बन रहा होगा, चलो ठीक है। मतलब ये तुम्हारा कैसा कुछ होगा, ये सी एच ओ होगा और ये जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो निगेटिव यहाँ बन रहा होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ होगा। तो आपको पता है कि एल डी हाइट से अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं, बट ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग को एल डी हाइट से अल्फा हाइड्रोजन निकालना होता है, और सॉरी कीटोन से अल्फा हाइड्रोजन निकालना होता है और एल डी हाइट पे अटैक करवाना होता है, क्यों? क्योंकि एल डी हाइट पे आपका क्या होता है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर है, कैसा है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल होगा, सही है, जल्दी बोलो, सही है, हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ ना। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमको अटैक कीटोन पे नहीं करवाना है, हमको अटैक एल्डिहाइड पे करवाना है, मतलब कीटोन विल बी इंटैक्ट, कीटोन विल बी, कीटोन यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि साफ दिख रहा है कि चांसेस थोड़ा कम है, तो इसका मतलब तुम्हारा बी क्यों नहीं होगा, अल्टरनेट नहीं है, इसका मतलब ए होने के चांसेस है, तो ए को देख लेते हैं, ए वाले में क्या होगा, चलो ए वाले में होने के चांसेस है, चलो ठीक है, क्योंकि कीटोन तुम्हारा क्या है, इंटैक्ट है, हमको अटैक करवाना है एल्डिहाइड पे, क्लियर हुआ, लिख लो, ट्रिक लिख लो, इंट्रा मॉलिक्यूलर जब भी होगा तो आपको अल्फा हाइड्रोजन किससे निकालना है, एल्डिहाइड वाले से या कीटोन वाले से, रिप्लाई, एल्डिहाइड वाले से या कीटोन वाले से, जल्दी बोलो, एल्डिहाइड वाले से या कीटोन वाले से, रिप्लाई क्या, अल्फा हाइड्रोजन कीटोन से निकलेगा, वो कीटोन से, और अटैक कहाँ होगा, अटैक कहाँ होगा, कहाँ अटैक करेगा, एल्डिहाइड पे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, जल्दी बताओ क्यों ऐसा हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेगा, ओके। इसका मतलब चलो हम ए मान के सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, ए मान के सॉल्व करते हैं, सी क्यों नहीं होगा, मतलब बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, ये गायब, ठीक है, क्लियर है। ए वाले को देख लेते हैं, ए वाले में क्या पंगा है, ए वाले में क्या पंगा है देख लेते हैं, ए वाले में बड़ा रिंग नहीं बन रहा है, चार मेंबर का रिंग बन रहा है, चार मेंबर का रिंग अनस्टेबल होता है, इसलिए डी नहीं होगा, तो ए बच गया। अब ए हो गया तो ए कैसा होगा, ए तुम्हारा कैसा हो रहा होगा, ए तुम्हारा ऐसा हो रहा होगा, ओ एच, सही है, हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, क्लियर है, चलो ठीक है, एक ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा ना भाई, क्या कि OH यहाँ रहेगा, जल्दी बोलो कैसे करें, अब बताओ कैसे करें, कैसे करें, चलो इसको ब्रेक कर दो ना, सीधे ब्रेक कर दो, चलो मैं आपको बताता हूँ, ब्रेक कर दो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन है, सी डबल बॉन्ड, ये OH है, चलो ठीक है, सही है, जल्दी बोलो भाई, सही है, और ये कार्बन यहाँ रहेगा, सही है, सही है, जल्दी बोलो, सही है, ऐसा कुछ होगा, ओके ऐसा कुछ होगा। अच्छा तो इसका मतलब एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो कंपाउंड डज नॉट गिव फॉलोइंग टेस्ट, तो कौन सा टेस्ट ये नहीं देगा, जल्दी बताओ कौन सा टेस्ट नहीं देगा, लुकास टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, आइडोफॉर्म देगा, कीटोमिथाइल है, टॉलिन देगा, एल्डिहाइड है, फेलिंग देगा, एल्डिहाइड है, क्लियर हुआ, क्लियर है सबको, सब लोग कमेंट कर दो, यस सर क्लियर हो गया, जान लगा दो बच्चों, ज्यादातर 90% बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो लास्ट में मेहनत करना बंद कर देते हैं, प्लीज लास्ट में मेहनत करना मत बंद करो, जैसा मैं बता रहा हूं प्लीज सुनो, नहीं तो आप अपने साथ साथ मेरा भी मेहनत वेस्ट करवा देते हो। चलो अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, सब लोग बोलो कौन कौन सा रिएक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व था, इसके अंदर कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, ओजोनोलाइसिस, फ्री रेडिकल, ओजोनोलाइसिस, एल्डोल, माची चाय तो करो ना, हाँ अल्डोल, ओजोनोलाइसिस, और क्या अनन्या, और क्या, अल्डोल, ओजोनोलाइसिस, पॉलीमर, लुकास टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ मैं नहीं बनाऊंगा, आप 129 का आप बनाओगे, जल्दी करो प्लीज यार, अभी तक हम लोग सिर्फ 130 तक पहुंचे, मुझे आज किसी हाल में बता देना है, और हर्ष, कोनिका, अंकित, मैं आप सबका लॉग इन आई डी चेक करूंगा, मुझे चैप्टर वाइज टेस्ट 10 जून तक पूरा, 10 जून बहुत ज्यादा बोल दिया आप लोग को, 8 से 9 जून तक जितना भी चैप्टर वाइज टेस्ट है मुझे कंप्लीट चाहिए, और उसके बाद अगर नहीं हो तो मैं आप लोग को हेल्प नहीं करूंगा, मैं आपके साथ बिल्कुल बात नहीं करूंगा, कोई सपोर्ट आपको नहीं करूंगा फिर मैं, अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली चलना है, अपने अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना है,
मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा अगर आप लोग नहीं बनाए सही तरीके से। श्रेया उसी तरह, कोनिका उसी तरह, सबको सबको मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरा बात नहीं सुनोगे मैं कुछ नहीं करूंगा आपके लिए। चलो 129 करना है, कंपाउंड ध्यान से पढ़ो। चलो प्रणव, क्या होगा इसका आंसर? सोच रहे हैं सर। सोचो रे। चलो अनन्या, चलो तुम्हारा इस साल मुझे लगता है निकल जाएगा, सही बोल रहा हूं? तो अनन्या जल्दी क्या होगा? कोई एक ऑप्शन भी बोलो। 129 का ए या सी में से कोई एक है। नहीं ऐसे मत बोलो, एक बोलो यार, ऐसा करोगे तो दिक्कत। 129 का ए ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ऑप्शन को पकड़ा धड़ाधड़ कर दिया यार। सी है, चलो ठीक है देख लेते हैं। एनारोमेटिक कंपाउंड पी, ओजोन लाइसिस कंपाउंड यू एंड आर, ठीक है क्लियर है, विच गिव 2 मोल ऑफ सीएच इन प्रेजेंस ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ओजोन लाइसिस करो, तो यहाँ ओजोन लाइसिस करने के बाद करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा तुम्हारा, ये वाला डबल बॉन्डो, ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो, ओके ठीक है क्लियर है। और इसके अंदर जो करोगे वो क्या होगा तुम्हारा, डबल बॉन्ड ओ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है क्लियर है, और डबल बॉन्ड ओ ऐसा कुछ आएगा, ये कंपाउंड जो है 2 मोल आइडोफॉर्म, 2 मोल क्या दे रहा है ये तुम्हारा, आइडोफॉर्म देगा, 2 मोल आइडोफॉर्म देगा और दूसरा वाला आइडोफॉर्म नहीं देगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर इसके अंदर थैलिक एल्डिहाइड टाइप का भी तो कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ तो हो सकता है कि CWH और बाकी ये फिर दे दे, ये दिमाग में आपके आ रहा होगा सही है, बस सर ऐसा भी तो हो ही सकता है ना, क्या दिक्कत है, यहाँ भी तो 2 मोल आपका ये दे देगा, आइडोफॉर्म दे देगा, सही है, हो सकता है क्या, सही है, आइडो ऐसा भी तो हो सकता है क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो 2 मोल है, क्या क्या इशू, क्या है, नो इशू, क्या करे बताओ, क्या रीजन है, हमारे पास ए और सी में पंगा हो गया, क्या करे फिर, जो मुझे रीजन बता दिया मैं उसका चॉकलेट दे दूंगा, कि सर सी क्यों ले रहे हो ए क्यों नहीं ले रहे हो, मैंने पढ़ाया था टॉटोमेरिज्म में, बताया था इसको शायद, एटलीस्ट पास में एक अल्फा है सोना चाहिए, तो है तो डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो देना चाहिए, क्या दिक्कत क्या करूं बोलो, एक तो एक ही कंपाउंड 2 मोल दे रहा है इसीलिए ऑप्शन सी वगैरह नहीं होगा, सी डी वगैरह नहीं, मतलब डी नहीं होगा और बी नहीं होगा, क्योंकि एक ही कंपाउंड जो है, मतलब एक ही कंपाउंड में दोनों एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके साथ मिथाइल कीटो मिथाइल होना चाहिए। देखो ये वाला रिपल्सन करेगा, लोन पे रिपल्सन करेगा और ये सिंगल बॉन्ड है तो ये एक्चुअली घूम जाएगा, ये बताया था मैंने, ये घूम जाएगा, रोटेट कर जाता है, ये रोटेट कर जाता है, तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये हाईली अनस्टेबल बन रहा है, इसीलिए हम ये वाला चीज एनालिसिस करवाने के बाद, यहाँ भी 2 मोल कंज्यूम हो सकता है,
बट हमारे लिए जो बेटर ऑप्शन है वो है तुम्हारा सी, क्योंकि रिपल्सन करने के बाद ऐसे ये भी आंसर हो सकता था, बट अगर बेटर ऑप्शन पूछोगे तो मैं बोलूंगा आपका सी बोलूंगा। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे द नंबर ऑफ मोल ऑफ सी कंज्यूम व्हेनेवर रिएक्ट विद आर, ठीक है, आर के साथ, आर के साथ, चलो ठीक है। तो एक बना ये कैसा होगा, सी वाला कैसा होगा तुम्हारा, ये कीटो मिथाइल टाइप का होगा, यहाँ कीटो मिथाइल टाइप का होगा। तो पूछा है कितना मोल गिगनार्ड रिएक्ट करेगा, जल्दी बोलो कितना मोल गिगनार्ड रिएक्ट करेगा, जल्दी बोलो कितना मोल। और दूसरा मोल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, दूसरा मोल जो होगा वो आर के लिए पूछा है ना, आर के लिए, विच गिव क्यू एंड आर, विच गिव क्यू एंड आर, तो आर पूछा है ना, विच गिव क्यू एंड आर, ठीक है। तो क्यू एंड आर, तो क्यू और आर सपोज कर लो ये ले लेते हैं डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ, कितना मोल गिगनार्ड रिएक्ट करेगा, कितना होगा, कि दो ही मोल होगा ना यार, दो ही मोल होगा ना, दो ही मोल होगा ना, एक ही कीटोन पे, एक ही कीटोन पे, कीटोन पे कितना मोल गिगनार्ड रिएक्ट करता है, एक ही मोल अटैक करता है, दो कीटोन है तो दो रिएक्ट करेगा, तो दो आ गया। दोनों का मत जोड़ लेना, आर के लिए बोला है, कोई भी आर पकड़ोगे, क्यू किसी को पकड़ो, दो ही मोल आएगा। ओके चलो ठीक है। क्यू एंड आर कैन बी सेपरेटेड बाई, क्यू एंड आर कैन बी सेपरेटेड बाई क्यू एंड आर, ठीक है। तो क्यू एंड आर एक में बनेगा तुम्हारा क्या, कीटो मिथाइल वाला और कीटो मिथाइल वाला, और एक में क्या बनेगा, एक में बनेगा ग्लाइक्सोल, क्या बनेगा, ग्लाइक्सोल बनेगा। तो चलो ग्लाइक्सोल किससे सेपरेट करोगे, टॉलिन, टॉलिन के साथ ना, अरे भाई कीटोन तो टॉलिन देता नहीं है, टॉलिन। चलो कितने लोगों का सही था, 130 131, चलो ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, इसके अंदर कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, जल्दी बोलो कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, इसके अंदर कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, जल्दी बोलो कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, गिगनार्ड आपका टॉलिन टेस्ट, मतलब कार्बोनिल का टेस्ट, हाँ कार्बोनिल का टेस्ट इन्वॉल्व था, और ओजोनोलाइसिस इन्वॉल्व था। चलो क्वेश्चन पैराग्राफ 7 जल्दी करो, 7 जल्दी करो फटाफट, 7 करो जल्दी से, 7 करो क्या आएगा, 7 करो जल्दी से, 7 करो, 7 करो फटाफट, 7 करो, 7 करो, 7 करो फटाफट, 7 करो जल्दी से। सेवन करो, चलो 7 को ध्यान से पढ़ना, 7 को ध्यान से पढ़ना। चलो अ टर्शियरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद कॉन्क एस्टोसफोर गिव बी, ओके बी ओजोनोलाइसिस गिव सी, ठीक है, सी गिव्स बोथ हैलोफॉर्म एंड टॉलिन रिएजेंटेस, ओके सी रिएक्ट विद सोडियम मोनोक्साइड गिव डी, डी ऑन रिएक्शन विद H2 निकल गिव ई, एंड ई ऑन रिएक्शन विद एस्टोसफोर गिव बी, ओके ये काफी ज्यादा घुमाया आप लोग को। चलो ठीक है, ट्राई कर लो, पहले 2 मिनट का टाइम देता आपको, ट्राई कर लो, सिर्फ पेज स्क्रॉल कीजिए नीचे, हाँ थोड़ा सा इसका और ऑप्शन लगेगा ना। चलो पहले पैराग्राफ पढ़ लो, बिकॉज ये दोनों एक साथ तो नहीं दिखा सकता, स्क्रीन में उतना एकोमोडेशन नहीं। जूम आउट, जूम आउट फायदा नहीं होगा ज्यादा, चलो ठीक है फिर भी ठीक है। देख लो, काफी परेशान किया है, ठीक है सही है, 134 एक मिनट ओके कर दे,
चलो 132 भी आ गया, 133 भी आ गया, बी भी। और कोई? मैंने बोला था ऑप्शन देख के भी आप चाहो तो कर सकते हो, चिंता नहीं है। तो 134 का परकिन होगा। 134 ना, चलो सिनेमिक एसिड बनता है परकिन में, चलो करते हैं बी। हाँ 34 क्रॉस या इंट्रा एक ही के अंदर है ना। हाँ और 134 का क्वेश्चन दिखाएंगे ना। 134 इंट्रा देख लो, चेक कर लो सर। पर जिस तरह यहाँ पे लिखा है सोडियम मेथॉक्साइड, वो तो क्लेजिंग कंडेंसेशन में यूज होता है। चल तो देखते हैं, चलो ठीक है। ये COH नहीं, इसीलिए ऐसा है, देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो E on reaction with H2SO4 give B। पहली बात तो A पूछा है, तो A बोला 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल तो बहुत सारे हैं। On reaction with conch H2SO4 give C7H12। C7H12 हम लोग को मिल रहा है, ओके। इसका DU कितना है, कोई इसका बताएगा DU कितना है, इसका DU कितना है? C7 14 2 16, ठीक है 14 2 16 4 4 बाई 2, 2 DU है, ठीक है, क्लियर है। मतलब बी जो हम लोग को प्रोडक्ट बनेगा, एक रिंग बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। चलो लेके चलते हैं, कुछ ऐसा लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी ऑज ओजोनोलाइसिस गिव सी, ठीक है, ओजोनोलाइसिस के बाद हम लोग को सी देना है, जो हैलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और टॉलेंट टेस्ट दे रहा है। तो हैलोफॉर्म देने का मतलब कीटो मिथाइल है, सही है, हाँ या ना जल्दी बोलो। अरे हाँ या ना जल्दी बोलो, ऐसा कुछ होगा, सही है, जल्दी बोलो, ऐसा कुछ होगा ना। चलो ठीक है, इसका मतलब सही रास्ते पे जा रहे हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। और अटैक भी निगेटिव से बनेगा और अटैक यहाँ होगा, तो काम भी अपना बन रहा है। तो 5 मेंबर का 6 मेंबर का रिंग बनना चाहिए, बन भी रहा है 6 मेंबर का रिंग, चलो ठीक है। इसका मतलब बी जो है राइट ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग को क्या पता करना है, हम लोग सी ऑन सी रिएक्शन विद, सी रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड गिव्स तुम्हारा ये। तो इसका मतलब देखो क्या है, ये सोडियम मिथॉक्साइड मतलब एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, और सोडियम मिथॉक्साइड यूज कर रहे हैं। देखो सोडियम मिथॉक्साइड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि आप यहाँ एज अ बेस यूज कर रहे हो, तो यहाँ आपका क्या है, तुम्हारा एज अ इंट्रामोलिकुलर अल्डोली यूज हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर अल्डोली यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। ऑन डी रिएक्शन विथ H2 निकल, ऑन डी रिएक्शन विथ H2 निकल, डी मेरा कहाँ है, डी मेरा कहाँ है? तो डी मेरा सिंपल सा, डी मेरा क्या बनेगा, डी मेरा बनेगा क्या बनेगा आपका, डी मेरा बनेगा तो जिसके अंदर एक अल्कोहल रहेगा और एक कीटोन रहेगा। तो कीटोन क्या होना पड़ेगा, कीटोन को अगर तुम H2 निकल के साथ करवाओगे, पाई बॉन्ड के साथ करवाओगे, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा, सही है ऐसा नो, जल्दी बोलो। अरे हाँ है ना, ऐसा कुछ बन रहा होगा, चलो ठीक है। इधर देखो, इसको हम देख लेते हैं, ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, अब सोचो इससे पहले ई ए है, तो इसका मतलब डी क्या होगा, डी कुछ ऐसा होगा, देखो तो डी कुछ ऐसा होगा, ठीक है क्लियर है, डी कुछ ऐसा होगा। 6 मेंबर का रिंग वाले बना दो, 6 मेंबर का रिंग है ना, 1 2 3 4 सॉरी 5 मेंबर का रिंग है, तो 5 मेंबर का रिंग पहले बना दो, ठीक है क्लियर है, 5 मेंबर का रिंग पहले बना दो, ठीक है। ये होगा डबल बॉन्ड, ये होगा और तुम्हारा, ठीक है क्लियर है, जल्दी बोलो, हाँ है ना जल्दी बोलो, सही है, कीटोन होगा और अल्किन तुम्हारा कुछ ऐसा बन रहा होगा, देखो तो सही है, चेक करो सही है, ऐसा कुछ हो रहा होगा, देख लेते हैं ऐसा कुछ हो रहा होगा, सही है, हाँ है ना। ये कितने मेंबर का रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है क्लियर है, इसका मतलब डबल बॉन्ड तो कुछ ऐसा हो जाएगा, सही है ऐसा ना, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, डी कौन, बी कौन सा ऑप्शन होगा, चेक कर लो बी कौन सा ऑप्शन होगा, चेक कर लो, जिसके अंदर ओजोनोलाइसिस करने के बाद कीटो मिथाइल ग्रुप बन रहा होगा, तो ऑप्शन बी होगा, सही है, क्लियर हो गया, जल्दी बोलो क्लियर है ऐसा ना, क्लियर सबको। देखो ध्यान से, अगर तुम इसको ओजोनोलाइसिस करोगे तो कीटो मिथाइल बनेगा, और कीटो मिथाइल बनेगा उसके बाद तुम ओजोनोलाइसिस कर, मतलब उसके बाद अल्डोल करवा दोगे, कोई दिक्कत, कोई डाउट,
कोई दिक्कत कोई डाउट, चलो ठीक है तो हम लोग को बी देख लेते हैं, बी से हम लोग फिर दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो बी हम लोग को ये मिल गया, बी हम लोग को ये मिल गया, और सी ओजनलाइसिस करने के बाद ये बनेगा, इसके बाद सी के बाद क्या होगा, टॉलेंट टेस्ट देगा। अच्छा सी ऑन रिएक्शन विथ, अच्छा कोई दिक्कत कोई डाउट, कोई दिक्कत कोई डाउट, चलो ध्यान से देख लो अच्छे से, इवन रिवर्स भी कर लो, रिवर्स भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स भी चेक कर लो सेम मिलेगा, रिवर्स भी चेक कर लो, रिवर्स भी चेक कर लो सेम मिलेगा, रिवर्स भी चेक कर लो। H2 निकल पता है ना क्या क्या करता है, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, अब पाई वन को क्या करेगा, पाई वन को क्या करेगा तुम्हारा, पाई वन को क्या करेगा तुम्हारा, पाई वन को क्या करेगा जल्दी बताओ। अच्छा ये ई कैसे बन रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, रीअरेंजमेंट कर रहा होगा ना, अरे हाँ ना जल्दी बोलो, ई कैसे कर रहा होगा, रीअरेंजमेंट कर रहा होगा ना, ये क्या कर रहा होगा, रीअरेंजमेंट हो रहा होगा ना, डिहाइड्रेशन, बोलो यार रीअरेंजमेंट कर रहा होगा, ठीक है क्लियर है, चलो ओके नेक्स्ट। चलो अच्छा एक और बात ऑब्जर्व करो, ये जब ओजोनलाइसिस होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कार्बन होगा और ये CH3 होगा और ये पाई बॉन्ड किधर से निकालो, पाई बॉन्ड किधर से निकालो, पाई बॉन्ड किधर से निकालो, अगर ये तुम्हारा ओजोनलाइसिस है ठीक है क्लियर है, ये कार्बन है फिर ये कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 अगर मैं इसको अटैच कर दूं तो रिंग अटैच कर दूं तो कौन सा बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ये थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है इसलिए बार बार चेक करो। अच्छा सात कार्बन कहाँ से आ रहे, सात कार्बन, अच्छा सात कार्बन है ना, मैंने यहाँ 6 ही कार्बन बनाए हैं, सॉरी यहाँ मैंने 6 ही कार्बन बनाए हैं ना, ठीक है 6 ही कार्बन बनाए हैं, यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो तो ये तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया और तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कार्बन 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 तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 सही है, जल्दी बोलो सही है, देखो चेक करो सही है हाँ ना, जल्दी बोलो सही है, ये सनो जल्दी बोलो यार सही है, और ये निगेटिव बनेगा और ये जाके अटैक कर देगा, कोई दिक्कत कोई डाउट, कोई डाउट करे आगे करे, चेक कर लो बढ़े कि नहीं बढ़े भाई लोग, जल्दी बोलो भाइयों बहनों जल्दी बोलो बढ़े आगे, हाँ सर चल अच्छा पैराग्राफ था। नेक्स्ट 135 खुद करो, 135 मैंने क्लास में भी करवाया था, 135 मैंने क्लास में भी करवाया था, चेक कर लो 135 करवा लो, 135 करो, 135 तो जल्दी करो, 135 तो जल्दी करो, 135 तो जल्दी करो, 135 तो जल्दी करो, E2 elimination दे दिया है, E2 elimination चलो ठीक है आइडिया है एंटी, चलो तो किसका सबसे ज्यादा रेट होगा, कौन किसका सबसे ज्यादा रेट होगा, 3 degree 2 degree 1 degree E2 में सबसे ज्यादा रेट किसका होता है दिव्यांश, 3 degree 2 degree 1 degree क्यों, रीजन ताकि जेटसेफ से मेजर प्रोडक्ट बन सके, 135 का ए आ जाएगा 1 2 3 चलो 136 का आंसर क्या होगा, 136 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, 136 का आंसर क्या होगा, 136 का क्या होगा, ये क्लास में मुझे रिप्लाई भी किए थे कुछ लोग, 136 का आंसर क्या होगा, Cl NaNH2 CH3I PCl5 NaNH2 CH3I क्या सोच रहे हो जल्दी से बताओ, अगर कीटोन पे अगर PCl5 रिएक्ट करता है तो जेमिनल बनता है या विजिनल बनता है या एक ही Cl लगता है बताओ, तीनों में से कौन सा, अगर आप कीटोन पे रिएक्शन करवाते हो PCl5 का
तो जेमिनल बनता है या विशनल बनता है या क्या बनता है? चलो ठीक है, R1 R2 पकड़ लो, अगर इसको PCL5 के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा? किसी को याद है सही तरीके से क्या होगा? डबल बॉन्ड हट के, डबल बॉन्ड ओ हट के दो CL लग जाएंगे वहीं पर, CL CL CL. ओके ठीक है, क्लियर है? क्यों? ताकि POCl3 बन के निकल जाए, राइट? PO डबल बॉन्ड हो, बहुत ही हाई बॉन्ड एनर्जी होता है, तो क्या करेगा, POCl3 बन के निकल जाएगा SNI की तरह. चलिए ठीक है, ओके. मतलब SNI यहाँ नहीं हो रहा, मतलब उसकी तरह मैं बोल रहा हूँ. चलो ठीक है, चलो तो 136 का क्या होगा? मेरे को एक बात बताओ, ये वाला है और ये वाला है जेमिनल. जर्मिनल नहीं बोलते बाबू उसको, जेमिनल बोलते हैं, जर्मिनल नहीं होता, जेमिनल बोलते हैं. चलो ठीक है, क्लियर है? ओके, तो तुम्हारा CH3I कैसे जुड़ रहा होगा? ऑब्जर्व करो, CH3I कैसे जुड़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ माइनस बना है, तब ये जाके अटैक कर रहा होगा. और अटैक कर रहा है इसका मतलब मेरा यहाँ कितना लग रहा होगा, यहाँ कितना लग रहा होगा, यहाँ तुम्हारा दो CL होगा, यहाँ क्या होगा, दो CL होगा और एक हाइड्रोजन होगा. मतलब दो CL होगा और एक हाइड्रोजन, बेंजीन बना दिया मैंने, सॉरी गलती से यार, बेंजीन. जब भी साइक्लोहेक्सेन बनता है इतना आदत पड़ जाता है ना बेंजीन का, इंसान सीधे जो है वो बना देता है. चलो आप लोग के साथ भी होता होगा. तो 3 मोल ये बन रहा है, और साथ में एक बात ऑब्जर्व करो, साथ में इधर से भी एक CL निकल रहा होगा. तो इसका मतलब 3 मोल तो तुम्हारा नीचे के लिए और उसके बाद तुम्हारा 1 मोल ऊपर के लिए, तो 4 मोल एमाइड यूज होगा, सोडियम एमाइड, और उसके बाद 2 मोल PCl5. तो इसका आंसर 136 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 6 आंसर आएगा. किसी का आया था आंसर? किसी का आंसर आया था? देख लो, किसी का आंसर आया था, चेक कर लो कितना लगेगा. एमाइड, एमाइड 6 मोल, नीचे 3 मोल लगेगा, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, और लास्ट में हाइड्रोजन निकालने के लिए, और ऊपर भी तो ये लगेगा जो CLCL बना होगा, तो बगल में जो बीटा एच है, गधा कच्चर, ये टू एलिमिनेशन भूल गया, देखो प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है. अरे भाई साहब, क्लियर हुआ? चलो, किसी का आंसर आया था? ये इंटीजर टाइप में आ सकता है, तो छोड़ेंगे नहीं केमिस्ट्री. तो तुम एडवांस में अगर तुम आउट ऑफ 120 80 मार्क्स तुम केमिस्ट्री से ही ले आओ, इमेजिन करो, और फिजिक्स से 50 मार्क्स ले आओ, 130 इधर हो गया, उसके बाद सोचो 40 मार्क्स मैथ से ले आओ, 170 हो गया, बस IIT में 2000 रैंक पक्का है. इतना सिंपल मैंने आपको सिंपल तरीका बताया. फिर से सुनो, केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आउट ऑफ 120 अगर 360 का पेपर होता है तो, फिजिक्स में 50 ठीक है, मैथ्स में मैं पकड़ लेता हूँ 40 ठीक है, 30-40 पकड़ लेता हूँ, तब भी 8, 5, 170 मतलब सीधे IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, मस्त, देख लो तुम्हारे पास ऑप्शन. चलो नेक्स्ट, ये पैराग्राफ आया था जेई एडवांस 2011 में. चलो करो फास्ट, 137, 138, ये तुम बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा, सारे हम ही बनाते हैं. ये तुम लोग यार मोटिवेट नहीं करते, पागल पागल लोग अपने को चाहिए. चलो प्लीज प्रिपरेशन करते रहो, अच्छे से लगातार करते रहो, लगातार पढ़ो, आप सबसे निवेदन है मेरा. चलो 137, 138 बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चों वाला यार. जल्दी करो, हमें 170 तक, सॉरी हमें 182 तक आज पहुंच जाना है, जल्दी करो. One thirty seven का A.
मल्टीपल चॉइस आ रहा है, ये मल्टीपल दे दिया थोड़ा सा। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, ये सही है, फिर ए एन सी, वेरी गुड। चलिए शाबाश अनन्या सिंह, सही है। माय डियर बच्चों जल्दी करो, फटाफट करो यार, करो। 138 का कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा? 130। कॉमन यस, शाबाश अनन्या, वेरी गुड। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। और किसी का आंसर आ गया? आ गया, चलो ठीक है। कितने लोग आ गया था, रेज योर हैंड, कितने लोग आ गया था, हाथ उठा दो, क्योंकि चैट इतना लोगों का पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ओके, हाथ उठा दो, थंबा उठा दो। आफरीन, पढ़ाई करो बाबू, अभी जितना रिवीजन क्लास में कर रहे हैं मौका है। हंसनी, श्रेया, पढ़ो, एक बार जिसका निकल जाता पहली बार में अलग ही मजा है। चलो, प्रोपेन बन रहा है, ओके, प्रोपेन बन रहा है भाई साहब, प्रोपेन बन रहा है, ओके। तो प्रोपेन बन रहा है, इसका मतलब ये एसिड कुछ ऐसा होगा, कार्बोजिलिक होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, तभी ये सोडियम डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और सोडियम डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसका मतलब ये कार्बन 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 और ये CO CH3 होगा, ठीक है, तभी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। ओके, ऐसा इसका मतलब ये क्या है, 1 2 3, सॉरी ज्यादा बना दिया क्या मैंने, एक कार्बन थोड़ा ज्यादा बना दिया लग रहा है, सॉरी एक कार्बन थोड़ा ज्यादा बना दिया है, ज्यादा बना दिया, कम नहीं, सही है, सही है ना, 1 2 3 4 5, नहीं सही है, सही है, सही, 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर करोगे आइडोफॉर्म तो ये वाला CH3I बन जाएगा, ये एसिडिफाइड हो जाएगा और ये तुम्हारा डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, सही है यहाँ तक, यहाँ तक सही अप्रोच, सही यहाँ तक अप्रोच, ओके। तो ये बन रहा है पेंटेन टू ओन अपने को बनाना है, तो पेंटेन टू ओन इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि पेंटेन टू ओन में, ठीक है, इसका मतलब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि किसी हाल में आप वाटर पे H+ एंड OH- माइनस करवाओ, ऐड करवाओ, मार्को, ये कुचरोव रिएक्शन है, तो कुचरोव रिएक्शन है, तो यहाँ क्या होगा, ऐड H+ एंड OH- माइनस बाय मार्कोनिक ऑफ एडिशन, अब मार्कोनिक ऑफ एडिशन इसका मतलब क्या होगा, इसका C आ रहा है। चलो B वाले में देखते हैं, B वाले में क्या होगा, B वाले में ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये B वाले में कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, क्लियर है, और B वाले में ये बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। उसके बाद बी वाला ऐसा बन रहा है, इसका मतलब आइडोफॉर्म ये भी देगा, तो ये COOH बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझे, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, क्लियर, 1 2 3, फिर COOH बन जाएगा, तो ये तुम्हारा प्रोपेन बन जाएगा, तो इसका आंसर ए एंड सी होगा। ओके, एंजॉय, सही है, सही है, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, चलो गुड, एंजॉय। ये क्वेश्चन जी एडवांस 2011 में आया था, IIT में कुछ नहीं है यार, जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, कोई ये बच्चा नहीं बोल सकता कि भाई हमने जो पढ़ाया सर, ये वाला फिर से थोड़ा समझा देंगे, क्यों समझाएं, रीजन बताओ क्यों समझाएं तुमको, तुमको तो IIT देना नहीं है, तुम तो मैं डॉक्टर बनना चाहते हो, हाँ सर, तो क्या करोगे समझ के इसको, सर ये सिर्फ IIT का है, हाँ नहीं बस समझ के रखते हैं थोड़ा, सर पता है आज ना मैंने उसमें टेस्ट दे दिया, कलिंगा है ना, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है,
चलो देखो, ये प्रोपेन बन रहा है, ये रिएक्शन कौन सा है, हर्ट्ज कौन सा, सॉरी कोनिका कौन सा रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन है तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर करवा दोगे तो RCWH से करवा दोगे तो RH बन जाएगा। तो इसका मतलब ये टू वाला जो है, टू से पहले ये वाला चीज फेनोमेना हुआ होगा। और ये आइडो फॉर्म है, तो आइडो फॉर्म में तो कीटो मिथाइल होके एक वाला मोल ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब एक बार ऑक्सीडेशन हो जाता है और CH3 येलो पीपीटी तुम्हारा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये पेंटेन 2-1 होगा। पेंटेन 2-1 बनाने के लिए क्या करोगे, देखो ये कुछ रोब रिएक्शन है, तो एड एच प्लस एंड ओ माइनस, सॉरी एड ओ एच माइनस एंड एच प्लस बाय मार्कोनिक ऑफ एडिशन अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड। अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड अगर करोगे तो यहाँ क्या आएगा, पेंटेन 2-1 आ जाएगा, सी में आ रहा है। ए में देखो, ए में क्या होगा, ए में ऐसा भी तो हो सकता है कि ठीक है CWH हट रहा है, हमें काम करें, हमें काम करते हैं, ये जो कार्बन है ये जो है इसका एक आइसोमर भी तो पॉसिबल है, एक आइसोमर भी तो पॉसिबल है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इससे भी CWH हटेगा तो नॉर्मल प्रोपेन बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए एंड सी हो रहा है, और नीचे भी ए एंड सी हो रहा है। क्लियर हुआ सौरसिस, क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ, हाँ सर। चलो चलो नेक्स्ट आइए 139, ये मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करने वाला। 139 से 141 आप करोगे, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ, जल्दी करो फटाफट। 139 से 141 आप लोग करोगे। ये यश तूफान आके चला गया ना, उसका इंपैक्ट अभी भी लग रहा है यार, नहीं? हाँ सर, हाँ सर, कुछ कुछ जगह पे बहुत हो रहा है सर, आप देखे थे अंदर मनी में पूरा मतलब डैमेज कर दिया, वहां के वो जो होटल है ना वाइसराय होटल, वो पूरा डैमेज कर दिया। अच्छा वन, अच्छा आज मैं ना ये कॉल करूंगा तुमको, ठीक है, समझे सर मेरे को? हाँ गधा है तुम, इसे ले करेंगे। चलो 139 का क्या आ रहा है अनन्या तुम्हारा, क्या आ रहा है 139 का अनन्या? क्या रहा है सर? ए, एक मिनट सर, कर रहे हैं, एक मिनट। हर्ष पांडे क्या रहा तुम्हारा? कोनिका, जल्दी बोलो सर, बी। तो बी ठीक है, सही है। हर्ष कोनिका का टाइटल तुमको याद हो पाया कि नहीं हो पाया, पहले बताओ मेरे को। हर्ष एक बार सॉल्व हो जाए फिर बोल पाऊंगा कि ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो फटाफट। बी आ रहा है 139 का, इसका अनन्या का बी। ओके शायद बी, कौन सा, किसका किसका अनन्या? वन फोर्टी का ना, 139 का, हाँ तो बोला तो अभी, हाँ सही है। तो जल्दी करें, चलिए शाबाश, 139 का बी आ रहा है, 140 का भी आ रहा है, देख लेते हैं। देखो ए जो है बी प्लस सी दे रहा है, एक पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ठीक है, मतलब ये एस्टरीफिकेशन का पार्ट है, तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपका ए को हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, एस्टर प्लस करवा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो एक बन जाएगा एसिड और एक बन जाएगा तुम्हारा अल्कोहल, और ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा बिकॉज ये ऑक्सीडेशन होके कीटोमिथाइल दे देगा। ओके, इस वाले में कीटोमिथाइल नहीं दे पाएगा, इस वाले में कीटोमिथाइल नहीं दे पाएगा, इस वाले में कीटोमिथाइल, इस वाले में कीटोमिथाइल देने में बहुत दिक्कत हो जाएगा कि ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, 3 डिग्री है, तो इसमें बी आ गया। क्या 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते? नहीं भाई साहब, नहीं कर सकते। सी क्या होगा? सी ऐसा कुछ होगा, बी होगा।
अच्छा सी 141 का क्या होगा, सी एंड डी को था, सी एंड डी कहाँ है, अच्छा सी एंड डी, सी सी मेरा ये है, ओके सी मेरा प्रोडक्ट ये है, और इसको लाह के साथ करवा रहे हैं, इसको लाह के साथ करवा रहे हैं, तो लाह के साथ करवाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ओके चलो। तो यहाँ एक कितना कार्बन है, यहाँ कितना कार्बन है भाई साहब, यहाँ कितना कार्बन है, यहाँ एक दो तीन चार कार्बन है, यहाँ कितना है, एक दो तीन चार कार्बन, ये वन ऑल है या टू ऑल है, वन और टू ऑल आपस में कौन सा आइसोमर होगा, पोजिशनल स्टीरियो चेन क्या होगा, की हो बे बोलो, पोजिशनल पोजिशनल, चलो ठीक है, सॉरी यहाँ बी ठीक है, पोजिशनल आइसोमर, इसका सबका बी 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 आएगा, सही है, जल्दी बोलो सही है, चलो कितने लोगों का सही था, तीनों पैराग्राफ सही था, कितने लोगों का रेज योर हैंड, कितने लोगों का तीनों पैराग्राफ सही था, चलिए सब पढ़ाई कर रहे हैं, आरसी के बच्चे पढ़ते हैं बट खच्चर बहुत हैं, चलो 142 पे आइए, चलो 142 भाई लोग, 142 डराने के लिए आपको दिया है, बाकी कुछ लेना देना नहीं है, इपरेथ्रिन ये फार्मा वालों को भी याद नहीं रहता है, जैसे मेरा भाई का फार्मा भी था, फार्मा था ऐसे, वो कोडर है बट फार्मा भी था उसका, तो वो मैं देखता था इतने बड़े स्ट्रक्चर याद करते रहता था, क्योंकि फार्मा में मतलब आपको स्ट्रक्चर वगैरह याद करने पड़ते हैं केमिकल के लिए, बट इतने बड़े स्ट्रक्चर किसी को याद नहीं रहते। चलो 142 द स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ टू नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है क्लियर है, द टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ द टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल स्टीरियो सेंटर एंड ऑल कार्बन डबल बॉन्ड एवॉल्व विच थ्री इज पॉसिबिलिटी सी सरप्रास इच वन, टोटल टेट्राहेड्रल स्टीरियो सेंटर्स एंड ऑल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एट विच पॉसिबल टू सिस्टम इज पॉसिबल। चलो मतलब आपको काइरल सेंटर और मतलब टोटल आपको स्टीरियो सेंटर चाहिए राइट, अरे बोलो भाई टोटल आपको क्या चाहिए, स्टीरियो सेंटर चाहिए, मतलब रीजन चाहिए, नॉट सेंटर बोलेंगे रीजन चाहिए, कहाँ कहाँ सिस ट्रांस हो सकता है कहाँ कहाँ, चलो चलो जल्दी करो 142 देख लो कहाँ कहाँ हो सकता है इन ईच मॉलिक्यूल, आ रहा है किसी के दिमाग में, चलो सामने करते हैं, चलो करते हैं, यहां क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ शो करेगा बी है, बी है चलो वेरी गुड, बी आ रहा तुम्हारा शायद, चलो शायद क्यों कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, हाँ बी आ रहा है, चलो ठीक है, तो यहाँ है यहाँ करेगा ओके, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं करेगा, डबल बॉन्ड के बॉन्ड नहीं करता है, सबको पता है क्यों नहीं करता, पता है ना क्यों नहीं करता, पता है ना क्यों नहीं करता है, बिकॉज रिंग के अंदर डबल बॉन्ड के ऊपर शो नहीं करता है एक्सेप्ट एट मेंबर रिंग में, एट मेंबर के ऊपर शो करता है, चलो यहाँ नहीं है, चलो यहाँ कायरल सेंटर है, बिल्कुल है कायरल सेंटर, चलिए है इधर कायरल सेंटर, चलो यहाँ हुआ एक, एक हो गया इधर, एक इधर दो, चलो ठीक है, इसके बाद कायरल सेंटर तीन, तीन के बाद क्या है, तीन नहीं नहीं ये नहीं है सॉरी, यहाँ तो यहाँ CH3 है, यहाँ नीचे दिखाया है, एक दो इधर तीन इधर चार और इसके बाद हो सकता है पांच, इधर देखते हैं इधर 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 देखते हैं, डबल बॉन्ड के बाद हो सकता है यस, एक हो सकता है इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है क्लियर है, एक इधर ठीक है, और कहीं और कहीं और कहीं,
तो कितना हो गया, चार इधर आ रहा है, चार इधर आ रहा है, कहां कहां और चलेगा पता हाँ हाँ अभी टाइम लगेगा प्रियंका, चलो तो चलो ये क्या कौन कौन सा होगा देखते हैं। इधर एक इधर लिख लो भाई, एक इधर हो गया, एक इधर, दो इधर, तीन इधर, चार इधर, पांच इधर, और कोई है क्या, देख लो इधर और कोई देख लो, मैं अभी तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। पांच इधर हो गया, अच्छा इधर देखते हैं, इधर, अच्छा ये तो कितना मेंबर का रिंग है, बहुत बड़ा रिंग है, तो डबल बॉन्ड के वॉल्ट हो ही सकता है, तो एक इसके वॉल्ट होगा। ओके एक दो तीन, काल सेंटर, तीन तीन के बाद, तीन के बाद एक चार, एक पांच, ठीक है, और ये भी है काल सेंटर, छ छ पांच ग्यारह, सही है, सही है, जल्दी बोलो सही है, सही है, सबको क्लियर हुआ, सही है, देख लो अच्छे से देख लो, जहां हाँ बोलो, जहां 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 तुम्हारा जहां जहां डबल बॉन्ड के बाद जीआई शो कर सकता है, इसके बाद जीआई होगा, इसके बाद जीआई होगा, ओके ये कायरल सेंटर है, सीसी कर देते हैं, सी कर देते हैं, ये कायरल सेंटर नहीं है, ये कायरल सेंटर है, सी कर देते हैं, ये कायरल सेंटर सी कर देते हैं, यहाँ कितना आया, यहाँ जीआई दो, जीआई तीन, सी, तो यहाँ कितना हो गया तुम्हारा, कितना हो गया पांच, यहाँ हो गया, अच्छा यहाँ सी कर देते कायरल सेंटर, यहाँ सी कर देते कायरल सेंटर, यहाँ सी कर देते हैं कायरल सेंटर, यहाँ सी कर देते हैं कायरल सेंटर, यहाँ तुम्हारा क्या जीआई कर सकते हैं, तो यहाँ जीआई हो रहा है, ये क्लियर है, तो कितना हो गया चार, एक पांच, अच्छा और यहाँ भी एक कायरल सेंटर सी कर देते, तो छह, छह पांच ग्यारह, देख लो किसी को डाउट है तो पूछ लो, सिर्फ डराने के लिए दिया था, और आई आई टी ऐसा देता है जान बुझ के डराने के लिए आई आई टी देता है, बट हम डरेंगे नहीं, चलो लड़ेंगे, चलो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, इस वाले कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, देखो एक इधर है, एक रीजन देखो, एक हो गया तो टू पावर फाइव, टू पावर फाइव कितना होता है जल्दी बोलो, टू पावर फाइव कितना होगा, टू पावर फाइव कितना होगा जल्दी बोलो, टू पावर फाइव कितना होता है 32, आ गया, जहां जहां बताया था ना ट्रिक बता रखा है ना कि जहां जहां स्टीरियो रीजन, यहाँ रीजन ही है, अच्छा जहां जहां जी आई शो करेगा, अगर सेंटर बोलेगा तो उसको एक सेंटर काउंट करेगा या दो सेंटर काउंट करोगे, अगर सेंटर बोलता तो एक सेंटर काउंट करते या दो, नहीं सेंटर बोलता तो हम जीआई के बाद दो काउंट करते हैं, ऑल कायरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर, बट ऑल स्टीरियो सेंटर आर नॉट कायरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर जिसके बाद जीआई ओआई शो कर सकता है कोई भी, तो डबल बॉन्ड के बाद अगर स्टीरियो सेंटर बोलेगा सो वी विल काउंट दो, और अगर रीजन बोलेगा तो वी विल काउंट वन, सो व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग फॉर्मूला इन नंबर ऑफ स्टीरियो रीजन, सो वी हैव टू टेक तुम्हारा जिसके बॉन्ड जीआई कर सकता है, मतलब डबल बॉन्ड को एक काउंट करेंगे जिसके बॉन्ड जीआई होगा, और कायरल सेंटर को एक काउंट करेंगे जिसके बॉन्ड ओआई होगा, सो टोटल 2^5 32, इतना इतना ट्रिक पढ़ा रखा हूं यार, चलो इधर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, 2^6 क्या होता है जल्दी बोलो, 2^6 क्या होता है भाई साहब, 2^6 क्या होता है जल्दी बोलो, 2^6 क्या होगा 64, देखो कितना इजी क्वेश्चन, डरा कोई भी बच्चा देख के क्या करेगा, डर जाएगा, अरे भाई ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया है, बट एडवांस का एक ही मूल मंत्र है, क्या मैंने बताया था जल्दी बोलो हर्ष, एडवांस का एक ही मूल मंत्र है, क्या क्या करो, टकरा जाओ क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन से टकरा जाओ, बस तुम सब बन जाएगा, चलो दोनों बार जो रहा जर्नी तो मुझे एक ही चीज एहसास हुआ कि हमें क्वेश्चन के साथ टकराने हैं, चलिए 145 147, 145 147, चलो से बताओ फटाफट, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको भी आइडिया, मैंने पढ़ा रखा है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है यार, कल लाइव सेशन करवाया था, कोई अटेंड किया था, हाँ प्लीज अटेंड किया करो यार, आप लोग के लिए करते हैं, आप लोग अटेंड वगैरह नहीं करते हो, चलो 145 कैसे करोगे, रिड्यूसिंग शुगर के लिए क्या देखते हैं दिव्यांश गुप्ता, रिड्यूसिंग शुगर के लिए क्या देखते हैं भाई, हेमी एसिटल, शाबाश वेरी गुड, हेमी एसिटल देखना है, तो हेमी एसिटल देख लो है कि नहीं, चेक कर लो, 145 का डी, 145 का
हेमीएसिटिल नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा 145 का. चलो ठीक है, रिड्यूसिंग हेमीएसिटिल कहीं खाली एक कार्बन पे एक ओएच एक ओआर, एक कार्बन पे एक ओएच ओआर, कहीं भी नहीं दिख रहा यार, कहीं भी नहीं दिख रहा अपने को, तो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है. क्या ये म्यूटा रोटेशन करेगा? नहीं ना, रिड्यूसिंग शुगर है. फॉल्स फॉल्स ओके. 4 mole ऑफ पीरियोडिक एसिड, तो जहां जहां ओएच होता है डबल डबल, तो 1 mole यहां करेगा ओके ठीक है क्लियर है, 1 mole यहां करेगा ओके ठीक है क्लियर है, और कहीं और कहीं और कहीं, चलो ठीक है क्लियर है. चेक कर लेते हैं और एक कार, फिर यहाँ 1 mole करेगा ठीक है क्लियर है, 2 mole हो गया ठीक है क्लियर है. चलो और कहीं और कहीं और कहीं, हाँ 1 mole यहाँ हो गया, 4 mole. तो ये क्या है? फॉल्स 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 फॉल्स, स्टार्टिंग में 2 false ठीक है क्लियर है. जल्दी बोलो बी होगा, जल्दी बोलो बी होगा. चलो सेकंड ट्रू. लास्ट में बोथ ग्लूकोज ज्वाइंट विद अल्फा 1.1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. भाई 1.1 कहाँ से आ गया भाई? ये 1.1 है ही नहीं, 1.1 यहाँ है, बट ये दूसरा वाला क्या है, 4 मतलब समथिंग दूसरा कोई पोजीशन है, चेक कर लो. 1.1 नहीं है ये, तो इसलिए क्या है इसका आंसर बी होगा. इसको अगर इन्वर्ट करेंगे जो नीचे वाला थिंग है, हाँ उसको अगर इन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑक्सीजन पे लगावानी, तो एक कान पे रिड्यूसिंग शुगर तो ऐसे भी नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होना है. नहीं नहीं, ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट जो उसकी बात कर रहा हूं, 1.1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात कर रहा हूं ना, तो एक कार्बन पे एक OH एंड OR, एक कार्बन पे एक OH एंड OR ग्लाइकोसिडिक ऐसा कुछ ठीक है. तो एक कार्बन पे फर्स्ट कार्बन पे OH एंड OR, चलो ठीक है. तुम रिवर्स वाला है, अगर उसको फ्लिप कर, मतलब फ्लिप करके देखें तो फर्स्ट वाला कार्बन पे जुड़ा हुआ है. परेशान तो ऐसे, चलो ऑप्शन तो नहीं, चलो ठीक है खेलते हैं. तो ये तुम्हारा कैसा है? ये तुम्हारा है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोल टाइप का चीज, सही है. ये बीटा है, सॉरी बीटा पकड़ लो, एच ओ एच एच ओ एच, तो अल्टरनेट कर दो तो एच ऊपर चला गया ठीक है. अल्फा बोला है ना, ये तो बीटा है ना बे गधा खच्चर अर्स, ये तो अल्फा बोल दिया ना यार. अल्फा मतलब तो फर्स्ट बीटा है, देखेंगे ना बन. हाँ वही तो, लेकिन तो बीटा है ना, अल्फा कहाँ है गधा, सही है ये बीटा है, अल्फा कहाँ है? ठीक है बोलो, क्लियर हुआ हर्ष? चलो ठीक है, बीटा बोलता तब हो जाता, 1-1 है ठीक है, घुमा के देखेंगे नीचे चलो, लेकिन अल्फा थोड़ी नहीं तो बीटा है. चलो नेक्स्ट, कितना मोल एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होगा? इसका ट्रिक बताया था मैंने, क्या कितना मोल एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके लिए क्या है, जितना OH होता है उतना एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होगा. देखो कितना आंसर आ रहा है, चेक करो कितना आ रहा है. बोला मैंने मारा है 4, 2, 6 mole कंज्यूम हो रहा है ना, 6 mole कंज्यूम हो रहा है ना, देख लेते हैं एक सेकेंड. और कहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, और भी है, इधर भी OH है, इधर भी OH है, तो 8 mole यूज होगा, सही है. लिख लो, जितना मोल OH होगा उतना मोल कंज्यूम होगा OAC. चलो 147 माय डियर्स, 147 में मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं, जहां जहां होगा वहां वहां जुड़ जाएगा. कुछ है, कुछ बोलने का कुछ है? बोलो यार, अभी लिविंग ग्रुप है, चेक कर लो, जहां जहां अल्कोहल है वहां वहां अटैक करवाओ, जहां जहां अल्कोहल है वहां वहां अटैक करवाओ. सी होगा ना, हर जगह जहां जहां अटैक करेगा ना. चलो ठीक है, जहां जहां अल्कोहल है, अरे OAC पकड़ लो ना यार, अरे जहां जहां OH है वहां OAC होगा, इसके लिए टोसालाइट टाइप का चीज हो गया. टोसालाइट नहीं है ये, मतलब उसी टाइप का कुछ बोलते हैं, टोसालाइट नहीं है, टोसालाइट तो बेंजीन रहता है. मैं बता रहा हूँ कि लिविंग ग्रुप अटैक करेगा भाई, अबे बोलो यार बोलो. चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट. 148 से 150 मैं नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करना. ये सारे क्वेश्चन दम एडवांस से दम कैटेगरी का, ये मैं सेम टू सेम करवा रहा हूँ, जो दम टॉप बैच में रहता है दम, इसको बना डाला पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट. चलो इनऑर्गेनिक का करना चाहोगे ऐसा, इनऑर्गेनिक का, बट आपको बहुत याद करके आना पड़ेगा, बिकॉज मैं उसमें थोड़ा स्पीड रहेगा. इनऑर्गेनिक का भी मेरे पास प्लान है, 11 home tests करवाने का, मतलब 11 सीट करवाने का मेरे पास इनऑर्गेनिक का भी बहुत बड़ा प्लान है, लेकिन आपको भी याद करके आना होगा अच्छे से.
बिकॉज उसके अंदर मेटलर्जी भी आएगा, इस ब्लॉक भी आएगा, एडवांस लेवल में और आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल में याद करके आना पड़ेगा। और वर्कशॉप करवाएंगे आप? हाँ अभी तो बहुत सारे वर्कशॉप होने वाले हैं, सत्य से एक बार बात कर लेना ठीक है। और भी फैकल्टी के होने वाले हैं, मैथ्स वगैरह के भी, फिजिक्स के भी। और फिजिक्स में तो कुछ पोर्शन मेरा है, मतलब 500 क्वेश्चन में से 300 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, 200 क्वेश्चन रतन सर और या ऋषभ सर करवाएंगे ऐसे करके। उसका केमिस्ट्री में 80-90% ऐसे बहुत सारी चीजें भी होने वाला है, और ऐसे बहुत सारे पेपर भी हुए हैं, तुम चाहो तो वो भी ले सकती हो। चलो खैर, तो 148-150 चलो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। ये ऑप्शन थोड़ा देखो, बिकॉज ये लंबा है, आपको लंबा परेशान करेगा, ये थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा है ये। 148 क्वेश्चन पहले पढ़ लिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लो और दिमाग में इंटरप्रेट कर लो। पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर दिमाग में इंटरप्रिटेशन कर लो। चलो मैं करता हूँ, थोड़ा टाइम की कमी है, आप तो देख लिए तो चलो आगे बढ़ो। चलो देखो, दिया हुआ है कि अ स्टूडेंट इन अ लैब हैज मिक्सचर ऑफ थ्री कंपाउंड, ओके, फोर मिथाइल बेंजोइक एसिड ठीक है, फोर मिथाइल साइक्लोहेक्साइलामीन ठीक है, 1,4-methylbenzene, 1,4-dimethylbenzene, 1,4-dimethylbenzene, ओके 1,4 जालीन टाइप का है, ओके, इन ऑर्डर टू सेपरेट द थ्री कंपाउंड, in order to separate three compound ठीक है, the end of the procedure the student has the six separate flasks containing ठीक है, clear है, the locate the each designing expected each the contain the some relevant pKa design, सबको pKa दिया हुआ। अच्छा बताओ, अगर हम HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा रिएक्शन कर जाएगा, कौन रिएक्शन नहीं करेगा, सोच के बताओ कौन सा रिएक्शन कर जाएगा, कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा, जल्दी सोचो कौन सा रिएक्शन कर जाएगा, कौन सा कर जाएगा, ये बी वाला कंपाउंड कर जाएगा, बिकॉज ये बेस है और ये एसिड है ठीक है, क्लियर है, तो बी वाला कंपाउंड जो है रिएक्शन कर जाएगा, ओके। तो लेकिन ईथर और एक्वस ये क्यों लिख दिया यहाँ, चलो मतलब HCl को पकड़ लिया है, तो ईथर के साथ कौन करेगा, एसिड करेगा, मतलब ये वाला कंपाउंड ये होगा और ये वाला कंपाउंड ये होगा, ओके। अच्छा NOH के साथ करोगे, NOH के साथ करोगे तो क्या होगा, NOH मतलब तुम्हारा क्या होगा, ध्यान से, NOH के साथ करोगे 4-methylcyclohexylamine कौन सा करेगा, तो अच्छा ये वाला जो है इधर आएगा, मतलब फ्लक्स 4 के आसपास, फ्लक्स 4 148 का सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर हुआ, जल्दी बोलो, क्लियर है जल्दी बोलो, सही है ना, अरे सही है ना, इधर क्या आएगा, इधर आएगा हेक्सीन, बस बात खत्म, स्वाहा एंजॉय करो। और फ्लक्स 2 क्या होगा, 4-methylbenzoic acid क्या होगा, फ्लक्स 2 में होगा, चेक कर लेते हैं, 4-methyl कहाँ होगा तुम्हारा, 149 का ए फ्लक्स 2 में होगा, चलिए ठीक है देख लेते हैं फ्लक्स 2 में है कि नहीं ऑप्शन, चलो ठीक है यार, हो गया बल्ले बल्ले स्वाहा, क्लियर है सबको, क्लियर है जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ ना क्लियर है जल्दी बोलो, क्लियर है, क्या हुआ, अरे भाई ये ईथर वाला तो इसका मतलब इधर आएगा ना, इस वाले पार्ट में आएगा, तो इसका मतलब फ्लक्स 3 में क्या रहेगा, बेंजोइक एसिड रहेगा ना भाई, इधर क्या रहेगा, एमीन वाला पार्ट रहेगा, क्लियर है, क्लियर है, साफ देखो ना यार, अब एक था HCl के साथ बेस, हाँ आपने 2 मार्क किया है उधर, 2 फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो ये 4-methylbenzoic acid तो फ्लक्स 2 में ही रहेगा ना भाई, और 4-methylcyclohexylamine ये फ्लक्स 4 में रहेगा, तो 4 है,
148 का सी हासी है, ठीक है, क्या दिक्कत? अच्छा थ्री में क्या है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी, इधर थ्री में जो है डायरेक्टली तुम्हारा ईथर, अच्छा ईथर के साथ देखो एनओएच के साथ रिएक्शन करेगा तो तुम्हारा क्या हुआ, एनओएच के साथ करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा और कुछ होगा क्या? एसिड बेस रिएक्शन होगा और कुछ होगा क्या? नहीं, एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ये तुम्हारा एक बेस बन के रह जाएगा और दूसरा फिर से तुम्हारा क्या होगा, ये क्या होगा तुम्हारा H+ दे के इसको फिर से बेंजोइक बना देगा, जल्दी बोलो, अरे भाई इसको फिर से बेंजोइक बना देगा ना, आया ना, अरे H+ के साथ अगर अटैक करेगा तो फिर से इसलिए फ्लक्स 2 में रहेगा, सही है, सही है, चलो तो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है थोड़ा सा। किसी का आ गया था मेरे बनाने से पहले आंसर? किसी का आ गया था मेरे बनाने से पहले? एक आया था। चलो ठीक है, एंजॉय, चलो वन फोर्टी 151, चलिए 151 काफी करीब है अपने मंजिल के, 151 से लेके 153, चलो ऑप्शन देख के बना दो, ऑप्शन देख के बना दो, 151 से लेके 153 फटाफट। सर O3 ZN से रिएक्ट करने के बाद बेंजीन भी टूट जाएगा क्या? यहाँ मतलब थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, यहाँ शायद नहीं कर रहा होगा तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली तुमको चेक करना होगा थोड़ा सा, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंगली, बिकॉज ऑप्शन हमें ऐसा फोर्स नहीं कर रहा, दिस आर चेन रिएक्शन, तो चेन रिएक्शन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आगे हमारा सिंथेसिस क्या हो रहा है, थोड़ा जल्दी करो। का क्या होगा सोच के बताओ, चलो देखो यहाँ से उल्टा सोचो ना, ये क्या है जल्दी बोलो, ये क्या है, कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है जल्दी बोलो, कौन सा रिएक्शन कैनिजारो है, तो एक होगा एसिड और दूसरा क्या हो रहा होगा, अल्कोहल हो रहा होगा, ओके ऐसा कुछ है, ठीक है, इसका मतलब ओजोनलाइसिस के बाद, ओजोनलाइसिस के बाद क्या है, सी, सी वाला प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, सी वाला प्रोडक्ट क्या हो रहा, क्रॉस क्या हो रहा, क्रॉस हो रहा होगा ना भाई, अरे भाई क्रॉस ही हो रहा होगा ना, अबे भाई बोलो यार, क्रॉस ही हो रहा होगा ना, एक मोल का ऑक्सीडेशन दूसरे मोल का रिडक्शन ऐसा कुछ हो रहा होगा ना, बोलो यार, चलो ठीक है ऐसा कुछ होगा, ठीक है क्लियर है, इसका मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अपने को ब्रेक करना है ओजोनलाइसिस होने के बाद, डबल बॉन्ड कहीं बीच में रहेगा, डबल बॉन्ड कहीं बीच में रहेगा तभी ऐसा कुछ हो रहा होगा, और गिगनार्ड साथ में अटैक कर रहा होगा, ओके गिगनार्ड साथ में अटैक कर रहा होगा, गिगनार्ड साथ में अटैक कर रहा होगा, ओके चलो ठीक है, गिगनार्ड साथ में अटैक कर रहा होगा, तो चलो अगर मैं इसको, अगर इसको मैं ओजोनलाइसिस करता हूँ, कंपाउंड ए, कंपाउंड सी, सी कैसा होगा, सी फिर कैसा होगा सोच के बताओ, तो सी कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, और ये तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा ना, तभी तो ऐसा कुछ आ रहा है, सही है, अरे बोलो भाई, सही है ना ऐसा कुछ, चलो ठीक है क्लियर है, तो ऐसा कुछ आ रहा है, तो ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ऐसा कुछ करके तुम्हारा कुछ बन रहा होगा, इसका मतलब गिगनार्ड रिएक्शन करने के बाद ये तुम्हारा क्या इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या हुआ होगा, एसाइलेशन हुआ होगा, राइट, अरे भाई H2SO4 क्या करता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एसाइलेशन होता है ना, जल्दी बोलो, इंट्रा मॉलिक्यूलर होगा ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर होगा ना, अरे इंट्रा मॉलिक्यूलर होगा ना, अरे भाई इंट्रा मॉलिक्यूलर हो सकता है ना, अरे यार H2SO4 है, हीट निकाल रहा है यार, बोलो, इसका मतलब तुम्हारा साफ दिख रहा है भाई साहब कि मेरा जो बी होगा ये मेरा कुछ ऐसा कुछ होगा, बी जो होगा वो मेरा कुछ ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 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 ऐसा कुछ हो रहा होगा,
अच्छा ऐसा कुछ हो रहा होगा, इसका मतलब हमको पानी वगैरह निकालना पड़ रहा होगा, इसका मतलब ये OH, अच्छा इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा, ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि इंट्रा मॉलिक्यूलर एसाइलेशन हो रहा होगा, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन और यहाँ मिथाइल मिथाइल, और ये तुम्हारा क्या हो रहा होगा, यहाँ OH हो रहा होगा, सही है, जल्दी बोलो सही है, ऐसा कुछ हो रहा होगा, सही है, तभी तो ये ब्रेक होने के बाद ये सीधे एसाइलेशन करके यहाँ पहुंच जाएगा, सही है भाई, बोल भी दो यार, बोल भी दो, ठीक है सही है, क्लियर है, ओके। तो इसका मतलब हम लोग को साफ दिख रहा है कि भाई एक कार्बन पे अगर तुम पहले मिथाइलेशन करवाए तो मिथाइल से यहाँ मिथाइल जुड़ गया, यहाँ दो मिथाइल चाहिए तो 151 का कौन सा एक्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, सही है ना, ऑलरेडी एक मिथाइल है, एक और मिथाइल आएगा तभी होगा, तो 151 का बी हो गया, सही है सबको, सही है, क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है सबको, क्लियर है, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट 151 हो गया, 152 तो बता ही दिया आपको, बता दिया ना 152, अरे समझ में आ गया ना 152 कैसा होगा भाई, दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है, चलो 153, सी डज नॉट गिव, सी डज नॉट, सी मैंने क्या निकाला था, सी क्या निकाला था मैंने, सी तो निकाल लिया था, सी तुम्हारा क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूल मतलब दोनों एल्डिहाइड एल्डिहाइड, तो टॉलेंटेस्ट देगा, अभी दोनों एल्डिहाइड टॉलेंट देगा क्या, दोनों नहीं, एक बेंजल डिहाइड था ना, एक बेंजल डिहाइड था ना, एक बेंजल डिहाइड था, क्या नहीं देगा, जल्दी बोलो क्या नहीं देगा, जल्दी बोलो क्या नहीं देगा, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, क्योंकि ये कैनिजारो है, इसलिए सही है, सही है, जल्दी बोलो सही है, हाँ ना, चलो ठीक है, ओके आया मजा ये पैराग्राफ में, चलो 154 मैं नहीं बताऊंगा, 154 आप करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको तब पता होना चाहिए, 154 आप करो, जल्दी करो, 154 से लेके वन थोड़ा देर और, मतलब पैराग्राफ खत्म, पैराग्राफ में बहुत कुछ रिविजन आपका हो गया, हर्ष तुम्हारा जो छूट गया था बना लेना पेपर पूरा, प्लीज आप लोग बना लेना, थोड़ा इसके बाद भी कोशिश करना कि दोबारा आप इसको पूरा बना लेना एक बार, जो डाउट वगैरह ग्रुप में भेज देना, ऑप्शन से ही देख लो, ऑप्शन से ही देख लो, पीडीसी क्या करेगा, क्या कीटोन को रिड्यूस करेगा, पीडीसी चारकोल रिड्यूस, पीडीसी कोक रिड्यूस करेगा, करेगा क्या ये वाला पार्ट, क्या एल्डिहाइड कीटोन को करेगा रिडक्शन, नहीं, ओनली डबल बॉन्ड, ये ओनली डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, ओनली डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, ओनली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड को, तुम्हारा यहाँ नहीं करेगा, बिकॉज पीडीसी आपने दे दिया, सिर्फ पीडी देता तब तब कर सकता था, H2 निकल देता तब हो सकता था, बट ये पीडीसी दे दिया है, ओके मतलब सी हम लोग को पता है, सी हम लोग को पता चल रहा है, सी क्या होगा, समझ आ रहा होगा, सी समझ में आ रहा होगा क्या होगा, सी समझ में आ रहा है क्या है, सी 156 का क्या होगा, डी होगा, साफ दिख रहा है, सही है, हाँ सर, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, बी क्या होगा, बी क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो भाई, ठीक है, क्लियर है, तो कौन सा होगा, 155 का क्या होगा, सी सी, चलो ठीक है, क्लियर है, चेक कर लो, चेक कर लो, और ये फिर 154 का डी होगा, 155 का सी, चलो अब 154 का क्या होगा, 154 का डी सी, चलो डी 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 श्योर, हाँ चलो इसका होगा तो ये होगा, चलो 154 का डी, कोई डाउट, कितने लोगों का आ गया था आंसर, यस कर दो, कितने लोगों का मतलब रेज योर हैंड, कितने लोगों का हो गया था रेज योर हैंड, सर आपसे कर पहले हमने कर लिया था, हर्ष नहीं कर पाए थे, नहीं तो बोल रहा था शुरू से, ओ अच्छा चलो 157 से 159 आप करो, जल्दी करो 157 से 159 आप करो, जल्दी करो, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देते, चलो कोई
ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं कर सकते। चलो चेक करो कौन सा, जल्दी बोलो चेक करो 157 का कौन सा होगा, चेक करो। सर टेलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेलिन सोचो, डेक्रॉन का स्ट्रक्चर है 1/4। वन फोर टेथेलिक एसिड। कॉन्फिडेंटली बोलो ये सुनो, लॉक किया जाए कर दीजिए। चलो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए। ठीक है ठीक है, अच्छा सही है। हाँ टेलिन मोनोमर पता है ना, टेरिथैलिक एसिड होता है उसका, और इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करके 1/4 टेरिथैलिक एसिड। सब वेरी गुड। अच्छा उसके बाद एमाइड, अब तो सी मिल गया, एक्स मिल गया, तो एमाइड के साथ फिर के ओ बी आर, तो एमाइड के साथ करोगे तो पता है ना क्या करोगे? अरे भाई ए होगा, हॉफमैन, वन हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड के बाद क्या होगा? चलो ठीक है, क्लियर है, सही है। हाँ सही है। चलो कितने लोग आ गया था, रेज योर हैंड, कितने लोग आ गया था, हाथ उठा दो फटाफट भाई। इसमें भी डाउट है, कैसे चले प्रणब, लगे रहेंगे। चलो कौन बच्चा है, चलो 160 का आंसर, 160 में बताया नहीं जा रहा है, 160 आप करो, 160 आप करो फटाफट, 160 आप करो, 160 आप करो। चलो SN1 में ज्यादा प्रोडक्ट थोड़ा सा कौन होता है, लीवो वाला या डेक्स्ट्रो वाला, कौन होता है ज्यादा प्रोडक्ट, थोड़ा सा बताओ जल्दी से। लीवो वाला मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा होता है SN1 में थोड़ा सा, या रिटेन इन्वर्टेड? इन्वर्टेड, ठीक है क्लियर है। एक बच्चा मेरे को परसों मतलब कुछ दिन पहले मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मुझे उसने स्किनशॉट भेजा, नहीं सर SN1 में 50-50% होता है, पूरा रेसिमिक है, और उसने स्किनशॉट भेजा, तो मैं बोला भाई तुम टेंशन मत लो। वही सेम क्वेश्चन नीट 2016 में भी आया हुआ है, और वो जो चैनल से देख रहा था वो चैनल पे वही बताया जा रहा था, ठीक है समझ आना, मैं चैनल का नाम भी नहीं लूंगा और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम भी नहीं लूंगा, ठीक है, और उस ट्यूटर का भी नाम नहीं लूंगा। तो ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि रेसिमिक मिक्सचर है इसका मतलब दोनों में 50-50% रहेगा, यहाँ रेसमायसिन 100% नहीं है, ठीक है, रेसमायसिन 100% नहीं होता है SN1 में, बहुत ही रेयरली, बहुत ही हाई स्टेबल कार्बोकोटाइन बनेगा, तभी चांसेस है, रिटेंशन थोड़ा कम होता है, इन्वर्टेड थोड़ा ज्यादा होता है। कोई इसका रीजन बताएगा, इसका कोई रीजन बताएगा मेरे को, रीजन बताएगा कोई, रीजन बताएगा अर्ष, बताया था क्लास में क्या रीजन है कोनिका कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा होता है देन द रिटेंटेड प्रोडक्ट SN1 के केस में, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी कुलम्बिक इंट्रैक्शन रहता है लिविंग ग्रुप और केटायन के बीच में, इसलिए पीछे से अटैक करना पसंद करेगा। चलो 160 का आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो,
जल्दी बोलो, द प्रोडक्ट मिक्सचर ऑब्टेंड आफ्टर द रिएक्शन इज, ठीक है जल्दी करो, क्या होगा जल्दी बोलो, क्या होगा जल्दी बोलो, मैक्सिमम तो लेवो रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट मिक्सचर ऑब्टेंड आफ्टर द रिएक्शन, ये क्या पूछना चाह रहे हैं भाई, द प्रोडक्ट मिक्सचर ऑब्टेंड आफ्टर द रिएक्शन, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैन नॉट बी, ये तो कुछ मतलब ये क्वेश्चन का मतलब लॉजिक ही नहीं बनता यार, कुछ मतलब ही नहीं बनता है, तो क्या दोनों रहेगा, डेक्स्ट्रो भी रहेगा लिवो भी रहेगा, हाँ ओवरऑल प्रोडक्ट मतलब ओवरऑल, मतलब ओवरऑल क्या रहेगा, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, देखो यहाँ थोड़ा सा इन लोग ने थोड़ा सा ये किया, द रिएक्शन टेक प्लेस बोथ बाय एसएन1 का बी है, ठीक है तो 40% एसएन2, ठीक है क्लियर है, और ये एसएन2 तो नहीं नहीं, देखो ध्यान से यहाँ दोनों प्रोडक्ट बनाया, क्वेश्चन को ध्यान समझो, मैं तो तुमको एसएन1 के बारे में बताया, तो 40% तुम्हारा एसएन1 क्या होगा, तो 40% तुम्हारा क्या होगा, 40% इसका एसएन1 के थ्रू लिवो वाला भी तो होगा ना नेगेटिव, अरे भाई 40% तो तुम्हारा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना मिक्सचर के अंदर, बोलो भाई ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, सोचो सोचो जल्दी सोचो सोचो, दिमाग लगाओ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, अरे भाई SN1 के थ्रू 60% प्लस वाला है, तो SN1 के थ्रू 40% तो नेगेटिव वाला भी होगा भाई साहब, अरे बोलो यार, हाँ या ना बोलो, हाँ। देखो यहाँ दोनों के थ्रू दिया है तो 40, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दो ओवरऑल अगर मिक्सचर तुम देखोगे तो 60% प्लस 40% माइनस फिर 40% प्लस, ये ऐसा दे दिया है, ठीक है ना क्लियर है, ऐसा दे दिया है, सोचो ऐसा दे दिया है रिएक्शन बाय द SN2, ठीक है ना बाय SN2, इसका मतलब साफ देखो कि ये दोनों क्या करेगा, आपस में बैलेंस कर लेगा ना, सही है क्लियर है, हाँ ना, इसका मतलब जो ओवरऑल प्रोडक्ट होगा वो ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा यहाँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, हम सिर्फ SN1 के थ्रू बोलते तब बोलते ओवरऑल प्रोडक्ट जो होगा उसमें लिवो का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, क्लियर हुआ, क्लियर है जल्दी बोलो, देखो यहाँ ऑप्शन को तुम ध्यान से पढ़ो, हाँ। ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया, यही एडवांस का खास बात है कि उसने छोटे से क्वेश्चन को भी ट्विस्ट कर दिया है, चलो तो डेक्स्ट्रो, अच्छा द रेशियो देखो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से समझो, यहाँ इस वाले चीज को ये दो पाथ के थ्रू रिएक्शन करवाया है, एक SN2 के थ्रू करवाया है, एक SN1 के थ्रू करवाया है, SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या बोल दिया है कि 60% जो 1-bromomethyl इंजिन मतलब बेंजीन बना है, ठीक है क्लियर है, ये आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 40% तुम्हारा क्या होगा, यहाँ निगेटिव वाला भी तो पार्ट होगा ऐसा सोचो, बट ये भी थोड़ा सा ये 30 मतलब पॉजिटिव होगा 30 नेगेटिव होगा, हाँ ऐसा करके, नहीं नहीं रुको 60% है तो 30 का पॉजिटिव होगा 30 नेगेटिव, हाँ हाँ देखो ये जो पॉजिटिव वाला है ऐसा सोचो, ये जो पॉजिटिव वाला है बाकी जो 40% से जा रहा है वो वाला पूरा नेगेटिव होगा, 60% ये है 40% ये है, मतलब मेजर प्रोडक्ट ये है राइट, मेजर प्रोडक्ट ये है, अच्छा लेकिन ये क्या किया है, वेट 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 सर सर, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ 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 देख रहे हो ये पॉजिटिव दिया है, ये भी पॉजिटिव है, पेशेंट टू के थ्रू करवा रहा है, तो 40% बोल रहा है SN1 से, हाँ हाँ ठीक है, तो आधा उसमें ओ अच्छा सॉरी 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 आधा इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 30% सॉरी सॉरी सॉरी, मैं रिएक्टेंट की जगह ओवरऑल का 30% नेगेटिव चला जाएगा, हाँ 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 एक्सेप्टली मैं प्रोडक्ट को पढ़ रहा हूँ, पॉजिटिव रह जाएगा और जो, अच्छा हाँ ठीक है चलो ठीक है, मैं रिएक्टेंट को नहीं पढ़ के मैं मतलब प्रोडक्ट को है वो वाला पूरा नेगेटिव हो जाएगा, चलो ठीक है, अगर मैं 10 मोल ले लूं तो 10 मोल का 6 मोल जो है वो 6 मोल SN1 के थ्रू जा रहा है, ओके, और जो 4 मोल है वो SN2 की तरफ जा रहा है, राइट क्लियर है पक्का डाउट, तो 6 मोल में जो ज्यादा पार्ट होगा वो क्या होगा जल्दी बोलो, रिटेंशन या इन्वर्जन, 6 मोल में जो ज्यादा पार्ट होगा वो रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा, क्या होगा रिटेंशन या इन्वर्जन, तो साफ देखो 6 मोल में जो है वो तुम्हारा ज्यादा पार्ट क्या होगा जल्दी बोलो, ज्यादा पार्ट लेट्स से सपोज कर लो कि 5 मोल आपका इन्वर्जन होगा, ऐसा कुछ ठीक है, और लेट्स से ऐसा रेशियो डायरेक्ट बोलना सही नहीं है और फिर भी ठीक है क्लियर है, 5 मोल इन्वर्जन होगा और तुम्हारा इधर 4 मोल पूरा का पूरा इन्वर्जन होगा, सही है जल्दी बोलो सही है,
और यहाँ कुछ मोल रिटेंशन होगा, तो कुछ मोल रिटेंशन होगा तो ओवरऑल, लेकिन यार ओवरऑल तो मेरा रिटेंशन ही आना चाहिए, फिर तो मेरा ओवरऑल रिटेंशन ही आएगा, ओवरऑल इन्वर्जन आएगा। हाँ ओवर वही तो बोल, सॉरी ओवरऑल इन्वर्जन आएगा, सॉरी ओवरऑल इन्वर्जन आएगा, ओवरऑल इन्वर्जन आना चाहिए, लेकिन यहाँ 160 का ए दे दिया है। यार ये तो पंगा कर दिया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना हम लोग कैलकुलेशन में, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना। 6 मोल जा रहा है मतलब 60% जा रहा है एसएन वन के थ्रू, अब 40% जा रहा है एसएन टू के थ्रू, तो 4 मोल का पूरा इन्वर्जन हो जाएगा, प्रोडक्ट तुम्हारा इन्वर्टेड टाइप का बनेगा। यार ओवरऑल तो इन्वर्जन आना चाहिए, बिकॉज ऊपर से भी जो इन्वर्जन आएगा नीचे से भी इन्वर्जन आएगा, दोनों ज्यादा इन्वर्जन हो जाएगा, राइट हर्ष? कोनिका सही बोल रहा ना मैं? हाँ यार ये थोड़ा सा ये है, ठीक है क्लियर है, ये इसका इन्वर्जन होगा, इसका आंसर थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, चलो ठीक है क्लियर है, चलो ठीक है नेक्स्ट, फिर भी इसको एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कुछ अगर और दिमाग लगे तो बता देना, चलो ठीक है। अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन सब निकालो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है जल्दी बोलो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है जल्दी बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है जल्दी बताओ तो कोई फटाफट। ये CH3 है और ये डैश पे हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन 1 फिनाइल 2 ये 3 4, 1 से 3 भाया 2, 1 से 3 भाया 2, 1 से 3 भाया 2, 1 से 3 जल्दी बोलो, 1 से 3 भाया 2, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जल्दी बोलो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एस, तो इसका मतलब ये एस है, तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या होगा, ये भी तुम्हारा एस हो, नहीं अच्छा सॉरी, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन का है, ये वाला कन्फ्यूजन क्या आ रहा है, एस आ रहा है और ये क्या आ रहा है, आर आ रहा, सही है जल्दी बोलो, हाँ ना जल्दी बोलो, यही आ रहा है ना भाई, ऐसा सही है, चलो तो बताओ, खुद सोचो कि अगर 10 मोल अगर तुम लेते हो, 10 मोल, 10 मोल में सोचो एस कन्फिग्रेशन लेता हूँ, 10 मोल अगर मैं एस कन्फिग्रेशन लेता हूँ, मैं कन्फिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो 10 मोल लेता हूँ तो 6 मोल हो रहा है क्या, 6 मोल हो रहा है SN1 और 4 मोल हो रहा है SN2, तो यहाँ से 4 मोल जो प्रोडक्ट बनेगा वो एस वाला ज्यादा, एस की जगह आर बनेगा ना ज्यादा यार, अरे एस की जगह आर बनेगा ना, आर वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा यहाँ, अच्छा एस है तो इसका आर, और यहाँ क्या होगा, यहाँ आर वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और एस वाला कम बनेगा, तो आर का ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो आर का ओवरऑल वैल्यू ज्यादा किसमें किसमें है, सी और क्या है तुम्हारा डी में है, और तो ए और बी में नहीं है। अच्छा चलो रेशियो देख लेते हैं, तो रेशियो देखोगे तो अगर ये 6 मोल है तो 6 मोल का अगर सोचो 5 मोल यहाँ, सॉरी सोचो कि 4 मोल यहाँ से और 4 मोल ऐसा कुछ, तो इसका मतलब ऐसा समथिंग रेशियो करके आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेना परसेंटेज निकाल के, तो 7:3 आ जाएगा। क्लियर है जल्दी बोलो, क्लियर है सबको जल्दी बोलो, देखो कॉन्फ़िगरेशन और पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस है, आरएस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, आरएस क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है, क्लियर है जल्दी बोलो, क्लियर है, डन करें आगे, करें आगे जल्दी बोलो, दिव्यांश चलो ठीक है नेक्स्ट, काफी करीब है, लास्ट पैराग्राफ है शायद ये, चलो 160 से 163 लास्ट 2 पैराग्राफ है, जल्दी करो फटाफट, आप तो करो बहुत इजी है, ये तो इजी है यार, ये तो इजी है, बस इंट्रा मॉलिक्यूलर ए होगा, और 163 का क्या होगा जल्दी बोलो, 163 क्या होगा, सी होगा, चलो ठीक है, चलो वेरी गुड, कितने लोग आ गया था, रेज योर हैंड, कितने लोग आ गया था, हाँ उठा दो फटाफट, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, रिवीजन खूब करो, कॉपी बार बार पढ़ो, इधर उधर रिसोर्सेस मत फॉलो करो, जो मैंने पढ़ा रखा है, जो सेंटर में पढ़ाई हुआ उसी को फॉलो करो बस, चलो ठीक है ये फटाफट कर दो फटाफट। 164 सर कितना देर होगा, और 10 मिनट और, 164 बी
164 का बी, चलो ठीक है सही है, 164 का बी सब आ गया। चलो थ्री मोनो चेक कर लो, एक है फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज है ओके, नीचे वाला ये क्या है गैलेक्टोज, फोर्थ पोजिशन पे चेंज होता है, फोर्थ पोजिशन पे गैलेक्टोज है, 1 2 3 4 फोर्थ पोजिशन पे चेंज होता है ग्लूकोज के, तो तुम्हारा गैलेक्टोज बी, चलो ठीक है। लिंकेज, लिंकेज बताओ, वन ये वन है, लिंकेज बताओ जल्दी बोलो, लिंकेज क्या होगा जल्दी बोलो, लिंकेज क्या होगा 165, लिंकेज बताओ, लिंकेज बताओ, अल्फा अल्फा बीटा मतलब 1 1 2 हाँ बोलो जल्दी कौन सा होगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कौन सा, अल्फा 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 बीटा, अल्फा और अल्फा श्योर, फिर बीटा, अल्फा अल्फा बीटा सोच लो अच्छे से, 165 ए, अल्फा अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा बीटा ठीक है, ये वाला बीटा है, चलो ठीक है, ऊपर अल्फा है, हाँ ठीक है, तो अल्फा अल्फा के बीच में लगेंगे, ठीक है क्लियर है सही है। चलो कोई डाउट, कोई डाउट जल्दी बोलो, कोई डाउट, कोई डाउट वाला जो है वो वाला तो इन्वर्ट किया हुआ है ना, हाँ इससे तो बीटा ले रहे हैं, इससे तो बीटा ले रहे हैं, सी एच टू वही चलाता तब अल्फा लेता ना, इससे तो बीटा है, अगर सी यहाँ से होता मतलब ऊपर होता तो दिक्कत होता, कोई डाउट कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल, कितना मोल रिएक्ट करेगा जल्दी बोलो, कहाँ कहाँ ओएच है, देख लो नंबर ऑफ ओएच चेक कर लो, नंबर ऑफ ओएच चेक कर लो फटाफट, नंबर ऑफ ओएच चेक कर लो, नंबर ऑफ ओएच चेक कर लो फटाफट, 11 11, चलो 11 ऑप्शन आ रहा है 166 का सी, कितने लोग आ गया था रिजो रैंड, कितने लोग आ गया था रिजो रैंड, बहुत सही वेरी गुड शाबाश। तो देखो मैंने 166 तक भी आपको बता दिया, आप क्या करना पैराग्राफ ये जो है सॉरी ये जो आपका मैच द कॉलम है पढ़ के आना, मैच द कॉलम ये सब ऑलरेडी आपको पता है, मैच द कॉलम वगैरह पढ़ के आना, एक बार रिवीजन कर लेना, मैच द कॉलम आप बना लेना। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ आपको डाउट बता दूंगा इसके बाद, ठीक है आप बना के आना, नहीं तो सामने सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो ये पेज एटलीस्ट कर लेते हैं, ये पेज थोड़ा कर लेते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या क्या कर सकता है, ओसाजोन कर सकता है, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ग्लूकोज क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मीटा रोटेशन कर सकता है, हेमिस्टल नहीं है ठीक है, तो 160 सॉरी ग्लूकोज बोला है ना, रिड्यूसिंग तो होगा, हाँ सॉरी हाँ रिड्यूसिंग शुगर है, टॉलरेंस तो देता तो है सॉरी, तो ये तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा, ओसाजोन हो जाएगा, तो अल्फा हाइड्रोक्सीकेटोन है, पीआर हो जाएगा, टी हो जाएगा सही है। चलो सुक्रोज, सुक्रोज क्या क्या होगा, सुक्रोज, सुक्रोज हेमिस्टल खाली है नहीं, सुक्रोज ओसाजोन फॉर्मेशन करेगा नहीं करेगा ना बाबू, हेमिस्टल नहीं खाली है तो ओसाजोन नहीं करेगा, डाइसैकेराइड है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, डाइसैकेराइड है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, समझाया, जब तक हेमिस्टल नहीं रहेगा ऊपर वाला ग्लूकोज टॉलरेंटेस दे रहा है क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है पता है ना, एल्डिहाइड्रोकीटोन टॉलरेंट ऑफ फेलिंग देता है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों देता है ना, राइट चलो ठीक है। ओसाजोन, जहां ओसाजोन का सिंपल सा ट्रिक है, जहां भी तुम्हारा क्या रहेगा, जहां भी क्या रहेगा, जहां भी हाँ जहां भी हेमिस्टल रहेगा वो देगा, तो फिर लैक्टोज, लैक्टोज करेगा ओसाजोन फॉर्मेशन, चलो सी का पी क्यू आर टी बिल्कुल सही है, लैक्टोज पी क्यू आर टी, सेल्यूलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सेल्यूलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर चलो ठीक है, यस नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अब बाकी डाइसैकेराइड के तो पॉलीसैकेराइड है ना, डाइसैकेराइड नहीं पॉलीसैकेराइड, हां चलो कितने लोगों का सही था ये, मतलब जिनको आइडिया है याद है सब कुछ, रिजोलेंट ओके वेरी गुड, चलिए आप सब पते हासिल कर रहे हैं। चलो उसके बाद पॉलीथीन, पॉलीथीन का चलो पॉलीथीन ये क्या है, ये पॉलीथीन क्या है, होमोपॉलीमर है राइट, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक ये आर जे, आर जे चलो ठीक है, आर और जे कहाँ है, चलो ठीक है आर जे हो गया, पी और के, ब्यूना एस, ब्यूना एस
ठीक है, स्टाइरीन पॉलीमर, हाँ ब्यूनाइस स्टाइरीन, हाँ तो इलास्टोमर और रबर टाइप का ना, ये रबर टाइप का इलास्टोमर पॉलीमर, कोपॉलीमर, कोपॉलीमर पीएनके, चलो ठीक है ओके। नीचे वाला नायलॉन 66 फाइबर, फाइबर फाइबर और कंडेंसेशन ना, कंडेंसेशन ना, कंडेंसेशन कोपॉलीमर दोनों ना, दोनों होगा ओके वेरी गुड। बेकलाइट, बेकलाइट, बेकलाइट थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग कोपॉलीमर, कोपॉलीमर और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर और रेजिन, साथ में रेजिन, रेजिन भी होगा, चलो ठीक है। देखो पॉलीमर भी रिवीजन करवा दिया, ओके मजेदार था, चलो ठीक है दो मिनट और कर लेते हैं, नहीं तो ठीक है ट्राई कर लेना। अच्छा MnO2 बेंजाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल उसी को ऑक्सीडाइज करता है, तो प्लीज इसको बना के आ जाना। तो मैंने आपको देखो आपके सामने 170 तक ऑलमोस्ट कर दिया है, अब आप एक काम करना, 100 क्वेश्चन इसमें और है जो कि सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है, सॉरी सब्जेक्टिव है और आपका इंटीजर टाइप है, मतलब उसी को इंटीजर टाइप बोलते हैं, तो मैट्रिक्स मैच है, तो कर लेना, ज्यादा दिन में नहीं करूंगा, कल ही मैं इसको एक घंटा आपका पूरा करवा दूंगा, तो इस टाइप से पूरा ऑर्गेनिक रिविजन आपका हो जाएगा और एक टेस्ट भी मैं आपको लाइव ले लूंगा पूरा ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक स्वाहा उसी तरह इनऑर्गेनिक, उसी तरह फिजिकल, उसी तरह फिजिक्स, उसी तरह मैथ्स, सब लोग लग जाएंगे तो एक साथ खत्म हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपके लिए सेवा में हाजिर हूँ, तो टेक केयर, बाय बाय, किसी कोई डाउट है तो अभी बोल दो।